हेलो पीपल, आई होप यू डूइंग वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। हियर वी आर टू स्टार्ट द सेशन फॉर टुडे। आज का हमारा उद्देश्य बहुत छोटा सा यार। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या किया, फोकस करना बहुत अच्छे से। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल तक खत्म कर लिया। तो हम लोगों ने चैप्टर में क्या किया पढ़ा है, फोकस करना बहुत अच्छे से। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया, तो चैप्टर्स नेम इज आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996। एज फार एज आई एम सेइंग दिस चैप्टर इज वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर, दिस चैप्टर इज वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर, बट इसमें जनरलिटी बहुत सारी है, रिपीटेशन बहुत सारे हैं। इस कारण से चैप्टर थोड़ा सा हमको पढ़ने में ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा बोरिंग कह सकते हो, मोनोटोनस कह सकते हो, बट दिस चैप्टर इज सुपर इजी। राइट, आज का लेक्चर लेने का उद्देश्य इतना सा है कि कल का जो लेक्चर है उसमें बहुत एक्सटेंशन पे अगर इस टॉपिक को लेते हैं तो आप बच्चों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। सो आई थॉट लेट्स टेक अ 1.5 आवर 2 आवर का सेशन ऑन अ संडे, सो दैट आपके लेक्चर स्ट्रक्चर हो जाएंगे, क्लियर है? तो मतलब आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। हमारा टारगेट इतना सा है, समझना अच्छे से, हम लोग यहां पर है आर्बिट्रल अवार्ड हमें हिट करना है, ठीक है? तो हमारा टारगेट आज का बहुत छोटा सा है, सिर्फ आर्बिट्रल अवार्ड अच्छे से हो जाना चाहिए, सिर्फ आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में। तो आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में सब कुछ पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है हमें, सिर्फ आर्बिट्रल अवार्ड के डेफिनेशन एंड जनरल प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, देन व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वैलिड आर्बिट्रल अवार्ड, देन चैलेंजेस टू आर्बिट्रल अवार्ड एंड एनफोर्सिंग आर्बिट्रल अवार्ड। बस ये पढ़ना है हमें, ये खत्म हो जाएगा, सो दैट टुमारो सेशन में वी कैन कंप्लीट द चैप्टर। ये कंप्लीट कर लिया फिर चैप्टर में कुछ नहीं बचता है, फिर कुछ नहीं बचता है। Then tomorrow we can complete the chapter and I can give you a nice synopsis and then मैं ऐसा revision कराऊंगा, एक आपको दिखेगा hardly 4 या 5 पेज के notes में ये पूरा chapter cover हो जाएगा, पूरा chapter, because इस chapter में जो इतना repetition है ना, तो second time पढ़ते ना आपको परेशानी होगी। तो कल फिर मैं आपको वो दिखाऊंगा, आपको सारी चीजें दूंगा, and thereafter you'll be all sorted। तो कल ये chapter जो है ना, ये आपको एकदम soothing लगने लगेगा, एकदम soothing लगने लगेगा। तो without wasting any time let's hit today's target। आज का हमारा target बहुत आसान है। आज का हमारा टारगेट क्या कहता है कि बेटा जी बस आर्बिट्रल अवार्ड अच्छे से पढ़ लो। हमने क्या किया, चैप्टर को स्टार्ट किया, चैप्टर को स्टार्ट करने के बाद हमने क्या पढ़ा कि चैप्टर के अंदर है आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996। फिर हमने पढ़ा कि ये एक्ट जो है ना, ये एक्ट क्यों आया था, तो ये आया था टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड and to define rules with respect to conciliation। ये act apply होता है on whole of India, whole of India पे act apply होता है। and last time ने पढ़ा था कब आया था, 22nd August 1996 के दिन ये act आया था। okay, इस act के तहत हमें दो चीजें पढ़नी है, arbitration and conciliation। conciliation एकदम पिद्दू सा है, end में arbitration है। arbitration में वैसे तीन चीजें पढ़नी, बट हम चार कह देते हैं कि पहला introduction, उसके बाद में major, तीन चीजें पढ़नी होती है arbitral agreement। ये तीन essence हैं arbitration के, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के मैंडेटरी है, मैंडेटरी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होना चाहिए, रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन उसका सेपरेट अग्रीमेंट हुआ तो भी चलेगा, एक क्लॉज हुआ तो भी चलेगा, एक रेफरेंस हुआ तो भी चलेगा, बट उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसेंसस एडिडम होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। यह सारी चीजें हमने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के बारे में पढ़ी, क्लियर है? फिर हम लोग आ गए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में, आर्बिट्रेटर। फिर हमें क्या आर्बिट्रेटर कैसा होता है, आर्बिट्रेटर भाई साहब अनबायस्ड होना चाहिए, एकदम न्यूट्रल पार्टी होनी चाहिए, फिर कभी कभी वन हो सकता है, आप मल्टीपल भी रख सकते हो, लेकिन यू टू एंश्योर कि इवन नंबर ना हो, ऑड नंबर होना चाहिए। फिर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देगा, वो बोला कि इवन भी चलेगा, बहुत बढ़िया बात है। इस तरह से हमने पूरा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ा, और उसी तरह से आज हम लास्ट एसेंस ऑफ आर्बिट्रेशन पे आ रहे हैं, दैट इज आर्बिट्रल अवार्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी कंफर्टेबली। चलिए, तो आर्बिट्रल अवार्ड के अंदर हमें क्या पढ़ना है, आज बहुत छोटा टारगेट है, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ना है, बहुत छोटा, इतना से तो हमें पढ़ना है, फिर दूसरा पढ़ना है, तो एकदम रिलैक्स होकर पढ़ो, फोकस करो। आर्बिट्रल अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है, हमें पहले से बताया कि जैसे कि आर्बिट्रेशन के अंदर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसीजन, उसके पास में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, उन डिस्प्यूट्स का वो डिसीजन जो देता है, उस डिसीजन को कहा जाता है अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड। तो आर्बिट्रल अवार्ड इज नथिंग बट द conclusion, but the order, but the final decision given by arbitral tribunal। हमने कल arbitral tribunal देखा था, हम परेशान हो गए थे, module हमें 25 बार एक ही बात बोल रहा था, अरे आप choose करते हो, court में आप नहीं choose करते, यहाँ पर आप choose करते हो, आप choose करते हो, आप choose करते हो। उसी प्रकार से यहाँ पे भी उसी तरह का कुछ repetition आएगा, देखते हैं यारों। arbitral award, सबसे पहली चीज़, what is an award? ये आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। An award is a conclusive determination as to the questions, issues or disputes that are put forward before the arbitral tribunal। What is award? Award is the conclusive determination, मतलब decision। Award is the conclusive determination, the answer, the decision over what? Over the questions,
इश्यूज और डिस्प्यूट्स दैट आर पुट फोर्थ पुट फॉरवर्ड बिफोर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने आपने जो भी क्वेश्चन रखे, जो भी डिस्प्यूट्स रखे थे, जो भी इश्यूज रखे थे, उनका जो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन किया है, दैट इज अवार्ड. द अवार्ड इज नथिंग बट द कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन. आप इसको डिसीजन कह सकते हो. अ कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन फॉरवर्ड ओवर द इश्यूज द क्वेश्चंस द डिस्प्यूट्स पुट फॉरवर्ड बिफोर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. इजी बात है. द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज कॉन्स्टिट्यूटेड to hear the complete dispute between the parties, give reasonable opportunity to all the parties to present their case, and then based on the evidence submitted in applicable law, deliver a final decision on the matter. कि क्या करता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, उसके सामने सारे इश्यूज प्रेजेंट किए जाएंगे, दोनों पार्टीज अपने अपने एविडेंसेस आर्ग्यूमेंट्स करेगी, एंड देयर आफ्टर ये उसके ऊपर अपना कंक्लूसिव डिसीजन देगा. बस ठीक है सर, कुछ नई चीज तो नहीं देखी यहां पे. नाउ कम्स नेचर एंड स्कोप, मतलब इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले आएगा डेफिनेशन ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, ठीक है. फिर आएगा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, कि आखिर आर्बिट्रल अवार्ड के क्या जनरल प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, ठीक है. फिर आएगा रिक्वायरमेंट ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड, कि आर्बिट्रल अवार्ड में क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. अरे यही चीज तो हर एक के अंदर आप पढ़ रहे हो. फिर आएगा टाइप्स ऑफ वैलिड आर्बिट्रल अवार्ड, कि आर्बिट्रल अवार्ड के चार टाइप्स होते हैं वो पढ़ेंगे. देन चैलेंजेस टू आर्बिट्रल अवार्ड, ये इंटरेस्टिंग है आज का. आज का अकेला इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है कि चैलेंजेस टू वैलिड आर्बिट्रल अवार्ड, कि आखिर आर्बिट्रल अवार्ड को किस ग्राउंड पे आप चैलेंज कर सकते हैं. एंड लास्ट इज एनफोर्सिंग आर्बिट्रल अवार्ड, कि आर्बिट्रल अवार्ड को एनफोर्स करने के लिए किस अथॉरिटी के पास आपको जाना होता है. देखना ध्यान से, हमने पिछले पार्ट के अंदर भी कुछ अथॉरिटीज पढ़ी थी कि कुछ केस के अंदर आप जा सकते हैं हाई कोर्ट के पास, कुछ केस में आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, फिर कुछ केस में आप जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, कुछ केस में आप जा सकते हैं हाई कोर्ट के पास. एक बार नहीं नहीं नहीं, मैं बताना चाहता हूं. अरे मैं बताना चाहता हूं आपको, फोकस करना. आपने क्या पढ़ा है? आपने ये पढ़ा बेटा जी, अपॉइंटमेंट के लिए अगर आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट के लिए जाना है तो दो अथॉरिटी है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. अगर आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट के लिए जाना है तो दो अथॉरिटी है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. लेकिन हमें किसी ग्राउंड पे चैलेंज करना है, आर्बिट्रेटर को चैलेंज करना है, चैलेंज ऑफ आर्बिट्रेटर, क्या आपको आर्बिट्रेटर को चैलेंज करना है कि नहीं आर्बिट्रेटर सही नहीं है, ये तो बायस है, देन दो अथॉरिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट. याद आ रहा है कंफर्टेबली, कि अगर आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है तो दो अथॉरिटी थी, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, रुको मैं ऐसे लिखता हूं और मजा आएगा आपको. सुना? तो अगर आपको आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आज अथॉरिटी, और अगर आपको चैलेंज करना है तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट इज द अथॉरिटी. तो यहां पर आपने क्या पढ़ा है मैं आपको बता देता हूं. आपने पढ़ा है कि अगर आपको आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना है, इट इज अ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, तो हाई कोर्ट इज द अथॉरिटी. And if at all it is international commercial arbitration, then Supreme Court is the authority. वहीं अगर आपको आर्बिट्रेटर को चैलेंज करना है कि जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया तो बायसनेस शो कर रहा है, तो आप कहां कर सकते हो? If domestic arbitration है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, और वहीं अगर आपका इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो आप हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हो. ये आपको याद देना है, भूल तो नहीं गए कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अगर आर्बिट्रेटर को चैलेंज करना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाईकोर्ट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ये हम कल के लेक्चर के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, क्लियर है. तो ये चीज ध्यान रखनी है कि अपॉइंटमेंट के टाइम पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस तरह से काम करते हैं, एंड अगर आपको चैलेंज करना है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट इस तरह से काम करते हैं. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. चलिए, ये हमने कल पढ़ लिया था, अब हम आगे बढ़ रहे हैं. चलो एक काम करो बेटा जी, इसको कहीं पर लिख लो, इसको कहीं पर लिख लो. कहां पर लिखोगे? एक स्टिक नोट बना के चिपका दो, या फिर आपके नोट्स में ऊपर कोई जगह होगी ना, हेडर वेडर पे, या फिर कहीं पे भी, ये यहां पे कहीं पे, तो लिख लो 5.28 इसके आसपास लिख लो ये चीज, दैट आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी है, हाई कोर्ट इन केस ऑफ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन. वहीं अगर चैलेंज ऑफ आर्बिट्रेटर करना है तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट अथॉरिटी आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एंड हाई कोर्ट फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन. अक्षता जी डिस्कस करते हैं, एक बार आप पेन डाउन करो, एक बार आप पेन डाउन करो, डिस्कस करते हैं, डोंट वरी, डिस्कस करते हैं, चल ओके, जस्ट पेन डाउन, एक बार पेन डाउन कर लो. हम अभी आज ही करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि चैलेंज के केस में, तो जब हम आर्बिट्रल अवार्ड का चैलेंज पढ़ेंगे तब हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का भी चैलेंज देखने वाले हैं. तो ये आज कवर होगा. कहां पे मैं बता देता हूं आपको, चिंता की बात नहीं है, मैं बताऊं कहां पर, यहां पर नहीं,
यहां पर चैलेंज अगेंस्ट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ये आज कवर करने वाले, तो रोल बदलो ठीक है। तो आज ये सारी चीजें कवर करने वाले, तो टू स्टार्ट विथ एक बार मैं आपको ये लिखवाना चाह रहा हूं। चलो यस पीपल, इसको एक बार कहीं पे भी पेन डाउन करके रख लो, कहीं पे भी पेन डाउन कर लो, बाद में अगर इसमें मुझे चेंजेस कराना तो मैं चेंजेस करवाऊंगा, लेकिन एक बार ये पेन डाउन करके रख लो। चलिए कंफर्टेबल एवरीवन, चलिए तो विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आर्बिट्रल अवार्ड के साथ। हमने अभी तक क्या देखा, व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्रल अवार्ड, इट्स वेरी सिंपल, इट इज नथिंग बट अ कंक्लूसिव डिटरमिनेशन। आर्बिट्रल अवार्ड इज नथिंग बट अ कंक्लूसिव डिटरमिनेशन ऑफ द इश्यूज disputes or questions raised, issues, disputes or questions raised and put forth before the arbitral tribunal. Very easy, very easy. कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। क्योंकि इनपे arbitral award, arbitral award क्या होता है? हमने देखा arbitral award is nothing but this is simply a conclusive determination of the disputes, questions or issues put forth before an arbitral tribunal. ठीक है। अब हम उसकी definition देख रहे हैं। सुनना। अब आ रहा है आपका पहला टॉपिक। कुछ नहीं करना है आपको, ये 1, 2, 3, 4, 5 पांच चीजें आज देखनी है, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग एंड में आएगी जो हमने अभी डिस्कस किया चैलेंज को लेके, तो वहां पे हम एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से उसको देखेंगे। 100% फोकस ऑन द स्क्रीन। वी आर टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। क्या होता है आर्बिट्रल अवार्ड? इतना जनरल लैंग्वेज में लिखा है कि आप दीवाने हो जाओगे। देखो क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट, एन आर्बिट्रल अवार्ड इज सिमिलर टू अ जजमेंट गिवन बाय कोर्ट ऑफ लॉ। आर्बिट्रल अवार्ड इज नथिंग डिफरेंट, इट इज ऑलमोस्ट लाइक जजमेंट गिवन बाय कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे कि कोर्ट जजमेंट देता है, जैसे कि कोर्ट जजमेंट देता है, उसी प्रकार से आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आर्बिट्रल अवार्ड देता है। तो इट इज एग्जैक्टली लाइक अ जजमेंट ऑफ कोर्ट। वंडरफुल। इन अदर वर्ड्स, एन आर्बिट्रल अवार्ड इज गिवन बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एज अ डिसीजन ऑन वेरियस इश्यूज इन अ मैटर विच द पार्टीज एट प्लेस बिफोर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ये ऊपर वाले डेफिनेशन जैसा है, ऊपर जो दिया था आपको कि व्हाट डू मीन बाय आर्बिट्रल अवार्ड, इट इज नथिंग बट अ कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। और यहां पर क्या लिखा है, इट इज नथिंग बट अ डिसीजन, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, डिसीजन, इट इज नथिंग बट अ कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन और अ डिसीजन ओवर द इश्यूज, क्वेश्चंस और डिस्प्यूट्स पुट फोर्थ बिफोर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, मैटर विच द पार्टीज हैज प्लेस्ड बिफोर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। सेम डेफिनेशन हो गई। तो आप किसी भी एक को दिमाग में बिठा लो, ठीक है, जैसे कि ऊपर वाली ज्यादा लॉजिकल लगती है, तो सेम वो डेफिनेशन बिठा ली। क्या? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज नथिंग बट अ कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, और यू कैन से डिसीजन ओवर इश्यूज, डिस्प्यूट्स, क्वेश्चंस पुट फोर्थ बिफोर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बाय द पार्टीज। The Arbitration and Conciliation Act does not clearly define the idea of arbitral award. उन्होंने clearly define नहीं किया, तभी तो हम अलग 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 definition पढ़ रहे हैं। अगर act में defined होती सीधा वो definition पढ़ लेते, उन्होंने act में define नहीं किया, so we are just understanding the definition, उसकी functional definition. एकदम तो simple language में कोई परेशानी की बात नहीं। However, the concept of an award could also be understood as a final determination of a particular issue or claim that has been submitted for arbitration. या फिर आप award को ऐसे भी देख सकते हो। However, the concept of award could also be understood as a final determination of a particular issue or claim that has been submitted for arbitration. ठीक है, कि हमने जो issue raise किया है उसका उन्होंने solution दे दिया। Repetition, तीसरी बार वही बात सुबह ऊपर से बोल रहे हैं लोग। It represent a resolution of dispute between the parties, and that's the problem about this act. इसके अंदर हमें क्या अपने notes में ऐसा act नहीं है, but हमारे notes में से वही repetition, repetition, repetition दिखता है। तो module ने repetition, repetition दिया आपको, ठीक है? हमारे दिमाग में एक definition दिमाग में बैठ जानी थी। What do you mean by arbitral award? It is nothing but a conclusive determination over the issues, disputes or questions raised before an arbitral tribunal. खत्म। ओके okay, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं। तो हमने पहले क्या होता है, चलो एक डेफिनेशन समझ गए। अब आ रहा है जनरल प्रिंसिपल्स, सुपर इजी। व्हाट एम आई सेइंग, एकदम मस्त से रिलैक्स होकर देखो, इट इज सुपर इजी। व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड? आर्बिट्रल अवार्ड कैसा होना चाहिए, जनरल प्रिंसिपल्स क्या, उसको फॉलो करते हैं। फर्स्ट, हु कैन चैलेंज, आखिर आर्बिट्रल अवार्ड को कौन चैलेंज कर सकता है, आर्बिट्रल अवार्ड को कौन चैलेंज कर सकता है। समझना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को चैलेंज करना एंड अवार्ड को चैलेंज करना। हम ट्रिब्यूनल को चैलेंज करने मतलब आर्बिट्रेटर, तुम बायस हो, तुम न्यूट्रल नहीं हो, तुम सही से काम नहीं कर रहे, दैट इज अबाउट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। और एक हो गया अवार्ड को चैलेंज करना। अब यहां पर हम देख रहे हैं अवार्ड के बारे में, हु कैन चैलेंज, ओनली अ पार्टी टू द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कैन चैलेंज आर्बिट्रल अवार्ड। अ पर्सन इज नॉट अ पार्टी टू द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कैन नॉट रेज अ चैलेंज अगेंस्ट एन आर्बिट्रल अवार्ड। बहुत इजी है कि कौन, आज मान लीजिए कोर्ट ने एक आर्बिट्रल अवार्ड दे दिया, कोर्ट नहीं आर्बिट्रेटर ने एक आर्बिट्रल अवार्ड दे दिया, दैट आर्बिट्रल अवार्ड कैन बी चैलेंज्ड, दैट आर्बिट्रल अवार्ड कैन वेरी वेल बी चैलेंज्ड। तो सवाल है कि कौन चैलेंज कर सकता है, आंसर बहुत आसान है, एनी वन ऑफ द पार्टीज, पार्टीज में से कोई भी चैलेंज कर सकता है। अ पर्सन इज नॉट अ पार्टी कैन नॉट चैलेंज, वेरी ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस, ठीक है।
मतलब समथिंग लाइक प्रिविटी, एकदम सिंपल है भाई, जो पार्टीज हैं वही तो चैलेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट अथॉरिटी, सुना ध्यान से, एन अवार्ड कैन ओनली बी चैलेंज बिफोर अ कोर्ट, एन अवार्ड कैन ओनली बी चैलेंज बिफोर अ कोर्ट विच वुड इंक्लूड अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिसडिक्शन फॉर अवार्ड्स फ्रॉम डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एंड हाई कोर्ट फॉर अवार्ड फ्रॉम इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। सुना मेरी बात को बहुत अच्छे से, क्या कह रहा हूं मैं यहां पे, बात करें कि आर्बिट्रल अवार्ड को कैसे चैलेंज कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, सिमिलर चीजें मिल रही है, क्या लिखा है यहां पे, आर्बिट्रल अवार्ड, वहां पे हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की बात कर रहे थे, यहां पे आर्बिट्रल अवार्ड की बात कर रहा हूं कि अवार्ड को चैलेंज करना है मैं किसके पास जाऊं, अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है, अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है, समझना ध्यान से, तो यू कैन गो फॉर हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, एंड अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन यू कैन गो फॉर हाई कोर्ट। व्हाट आर दे ट्राइंग टू से, फोकस करना अच्छे से, आर्बिट्रल अवार्ड को कैसे चैलेंज कर सकते हैं, व्हाट आर दे राइटिंग हियर, अगर मान लीजिए आपका आर्बिट्रल अवार्ड है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, तो इसके लिए प्राइम अथॉरिटी रहेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके लिए प्राइम अथॉरिटी रहेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कि अगर आपका जो अवार्ड है दैट अवार्ड इज अ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, तो किसके पास आप अपील कर सकते हैं, किसके पास आप लेके जा सकते हैं कि हम इस अवार्ड से सेटिस्फाइड नहीं है, वी वांट टू मेक एन अपील, यू कैन गो टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुनना भी रुकना, एंड इफ इट ऑल इट इज अ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन देन इट इज हाई कोर्ट, पहली बात समझ में बैठी, लेकिन देर आर सर्टन केसेस वेर इन फॉर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन ऑल्सो यू कैन मेक एन एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट, एंड दैट इज वाई वी राइट इट दिस वे एंड हाई कोर्ट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, यहां पर मैं क्या बता रहा हूं आपको, अथॉरिटी टू चैलेंज से आर्बिट्रल अवार्ड, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में भी ऐसे कुछ पढ़ाऊंगा, फोकस करना कि नॉर्मली अगर मान लीजिए डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है और आप मान लीजिए उससे सेटिस्फाइड नहीं अवार्ड से, यू कैन मेक एन अपील टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास अपील कर सकते हैं, ओके okay. और अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, यू कैन मेक एन अपील टू हाई कोर्ट, दिस इज द हायरार्की एस्टैब्लिश्ड इन लॉ कि इंटरनेशनल वाला है तो हाई कोर्ट में जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट वाला है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डोमेस्टिक है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, बट देर आर सर्टन आर्बिट्रेशन जो कि डोमेस्टिक होने के बावजूद सीधा हाई कोर्ट में जा सकते हैं, एंड दैट इज वाई द लॉ सेज कि अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है तो उसकी अपील होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड इन सम केसेस इवन हाई कोर्ट, और अगर वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो उसकी अपील होती है हाई कोर्ट, उसकी अपील होती है हाई कोर्ट। वेरी केयरफुली पेन दिस डाउन ऑल्सो हियर, इसी तरह से ये मैंने बहुत सुंदर हैंडराइटिंग मैंने लिखा है, इसी तरह से पेन डाउन कर दो यहां पर, अथॉरिटी टू चैलेंज आर्बिट्रल अवार्ड यहीं पे लिख लो जहां पे मैंने लिखा है, अथॉरिटी टू चैलेंज आर्बिट्रल अवार्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट है फॉर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, क्योंकि डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन तो इट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेकिन इन सर्टेन केसेस यू कैन इवन मेक एन अपील टू हाई कोर्ट। आई होप नाउ यू आर ऑल ऑन द सेम पेज, एकदम सिंपल तरीके से आगे बढ़ना। तो अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन तो प्राइम अथॉरिटीज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ही जाओगे ना हायरार्की के हिसाब से, लेकिन कुछ केसेस में यू कैन जंप द हायरार्की एंड यू कैन डायरेक्टली गो टू हाई कोर्ट, बट द नॉर्मल प्रोसीजर सेज कि डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन में यू नॉट सेटिस्फाइड विद द अवार्ड, यू कैन टू गो टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन यू नॉट हैप्पी विद द अवार्ड, यू कैन डायरेक्टली गो टू हाई कोर्ट। चलिए, अथॉरिटी समझ में आया, नेक्स्ट इज टाइमलाइन। टाइमलाइन इज कि अवार्ड आ गया उसके कितने समय में यू कैन अप्रोच टू दीज अथॉरिटीज, क्या लिखा है देखो केयरफुली, बहुत इजी। टाइमलाइन रिफर्स टू बाय व्हेन अ चैलेंज अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड कैन बी रेज, कि कितने समय में हम चैलेंज कर सकते हैं आर्बिट्रल अवार्ड को। द लॉ नोट्स एन इनिशियल टाइम पीरियड ऑफ 3 months, तो 3 months प्लस 30 days मिलेगा आपको, तो टाइमलाइन में आपको मिलेगा 3 months पहले हो गया प्लस, तो आपको 3 months का समय मिलता है फॉर विच द अवार्ड इज रिसीव्ड, आपको अवार्ड आ गया मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने एक अवार्ड डिक्लेयर कर दिया, यू हैव 3 months टू मेक एन अपील, टू मेक अ चैलेंज अगेंस्ट द आर्बिट्रल अवार्ड, यू नॉट हैप्पी विद द आर्बिट्रल अवार्ड, यू कैन चैलेंज इट, अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है यू कैन चैलेंज इट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन 3 months। सुनना, विद अ मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ 30 more days बाय द कोर्ट, या फिर आपको 30 days का एक्सटेंशन मिल जाता है, तो टाइम पीरियड क्या हो गया 3 months प्लस 30 days, तो टाइम पीरियड हो गया 3 months प्लस 30 days, 30 days का आपको एक्सटेंशन मिल सकता है, तो 3 months प्लस 30 days, तो टाइमलाइन कितने समय में आप चैलेंज कर सकते हो, यू कैन चैलेंज इट विद इन 3 months एंड एक्सटेंशन पीरियड ऑफ 30 days बाय द कोर्ट, इट वॉज हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस, दैट्स इट। एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है आपको, बहुत आसानी है वैसे, कि इफ द अवार्ड वॉज रेंडर्ड ऑन 1 January 2017, 1 January को अवार्ड रेंडर हुआ, तो आपका जनवरी फरवरी और मार्च एंड तक का तो आपके पास टाइम है ही सही, उसके बाद फर्दर एक्सटेंशन करके आप अप्रैल एंड तक भी आप
चैलेंज कर सकते हो. देखो क्या लिखा है, देयरफॉर द अवार्ड कैन बी चैलेंज बाय 31st मार्च, 3 मंथ्स. द डेट कुड बी फर्दर एक्सटेंड बाय अनदर 30 डेज ऑन द एप्लीकेशन टू द कोर्ट टिल 30th अप्रैल, देयर कैन बी नो फर्दर एक्सटेंशन. तो अगर आप 3 मंथ्स में एप्लीकेशन दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर आप 3 मंथ्स में नहीं दे पाए, यू गेट एन एक्सटेंशन ऑफ 30 डेज बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट. तो कोर्ट को एप्लीकेशन देकर 30 डेज का आप एक्सटेंशन मांग सकते हो, इसके बाद में फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिल सकता. थिंग्स आर सुपर इजी गोइंग हियर, कोई परेशानी की बात ही नहीं, सुपर से भी ज्यादा आसान. फोकस करना 100% यहां पे. नेक्स्ट, ऑटोमेटिक स्टे. व्हाट इज ऑटोमेटिक स्टे? ऑटोमेटिक स्टे का मतलब हो गया, मान लीजिए आर्बिट्रल अवार्ड आया, ठीक है, तो अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो वो अवार्ड एग्जीक्यूट किया जाएगा. अगर आपको स्टे लाना है तो आपको एक्सप्रेसली स्टे लाना होगा. व्हाट आर दे सेइंग? क्या ऑटोमेटिक स्टे आता है? क्या ऑटोमेटिक अभी स्टे नहीं है, स्टे आई होप यू अंडरस्टैंड, इंजंक्शन. मान लीजिए आज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अवार्ड पास कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली वो अवार्ड क्या होगा, दैट विल बी इनफोर्स्ड. और अगर सामने वाली पार्टी को उसके ऊपर स्टे लाना है तो उसको स्टे कोर्ट में एप्लीकेशन करके लाना होगा. अगर सामने वाली पार्टी को उस पर स्टे लाना है तो स्टे कोर्ट में एप्लीकेशन करके लाना होगा. ऑटोमेटिक स्टे कभी नहीं आता है, मतलब ये नहीं कि आपने बोल दिया कि हम कर रहे हैं आपके अगेंस्ट केस फाइल कर रहे हैं तो आपको स्टे लाना होगा. नहीं, स्टे हैज टू बी एक्सप्रेस. समझना क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आज मान लीजिए मेरे और आपके बीच में डिस्प्यूट हुआ, आर्बिट्रेशन कराया हमने, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर कर दिया दैट दिस इज हाउ आर्बिट्रल अवार्ड हैज टू बी परफॉर्म. तो मेरे ऊपर ऑर्डर किया आर्बिट्रल अवार्ड परफॉर्म करना है, ठीक है, मैं उस चीज को लेके चैलेंज करना चाहता हूं, मैं उस चीज को लेके चैलेंज करना चाहता हूं, तो अगर मैं चैलेंज करूं डज नॉट मीन कि जो ऑर्डर है ऑटोमेटिकली स्टे हो जाएगा. नहीं नहीं नहीं, अगर इस ऑर्डर को स्टे करवाना है, इंजंक्शन लाना है, तो उसके लिए मुझे एक्सप्रेसली कोर्ट का ऑर्डर चाहिएगा. देयर इज नो ऑटोमेटिक स्टे. देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द एक्ट देयर इज नो ऑटोमेटिक स्टे ऑन द एनफोर्समेंट. अ पार्टी हैव टू स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट फॉर अ स्टे एंड द कोर्ट एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग स्टे कैन इंपोज कंडीशंस. ऑटोमेटिक स्टे नहीं होता है. जनरली इन्होंने क्लियरली नहीं लिखा है ऑटोमेटिक स्टे इन केस ऑफ अपील. जब आप चैलेंज कर रहे हैं अवार्ड को, इट डज नॉट मीन कि अवार्ड पे स्टे ही लग जाएगा, ठीक है. देयर इज नथिंग लाइक ऑटोमेटिक स्टे. अगर आपको स्टे लगवाना है तो उसके लिए सेपरेट इंजंक्शन की एप्लीकेशन देनी होती है. चलो, क्या पढ़ा हमने सबसे पहला टॉपिक, सुनना ध्यान से केयरफुली. नहीं नहीं नहीं, अब हम लोग आगे तो बढ़ने ही वाले हैं, लेकिन जैसे हमने पहले दो टॉपिक को पढ़ा था ना, तो मैं वहां पे आपका सिनॉप्सिस नहीं करवा रहा था, लेकिन जब कल का दिन नजदीक है तो नेक्स्ट टॉपिक भी अगर हिट ही हिट, उसके बाद हम सारे टॉपिक्स के सिनॉप्सिस देखने वाले हैं. तो आज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, समय बहुत है, एकदम मस्ती में कर रहे हैं, तो उसके सिनॉप्सिस साथ में देखते हुए चलते हैं. फोकस करना, हाउ इजी दिस चैप्टर इज, यू विल रियलाइज इट विद दिस चार्ट. आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल अवार्ड, आई एम सॉरी, आर्बिट्रल अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड मैं आपको पढ़ाना है आज. पहली चीज क्या पढ़ानी थी मुझे आपको, डेफिनेशन एंड जनरल प्रिंसिपल्स. मुझे आपको पढ़ाना था डेफिनेशन और जनरल प्रिंसिपल्स. सुना, डेफिनेशन आप सबके दिमाग में क्लियर है, व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्रल अवार्ड? आर्बिट्रल अवार्ड इज अ कंक्लूसिव डिटरमिनेशन ऑफ व्हाट, वेरियस डिस्प्यूट्स, इश्यूज और क्वेश्चंस रेज, डिस्प्यूट इश्यूज और क्वेश्चंस रेज बिफोर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. फिर हमने कहा प्रिंसिपल्स, तो बेटा जी सिर्फ चार प्रिंसिपल्स हैं, 1, 2, 3 और 4. ये 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड. ये 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, और चारों ही प्रिंसिपल कहीं ना कहीं चैलेंज से रिलेटेड है. क्या आप आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज कैसे कर सकते हो? 4 प्रिंसिपल्स हैं. 4 प्रिंसिपल्स में मॉड्यूल ने आपको क्या लिख के दिया? पहला, हु कैन चैलेंज, हु कैन चैलेंज, कि आखिर कौन चैलेंज कर सकता है आपके आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को. हु कैन चैलेंज, ओके, हमने क्या पढ़ा, हु कैन चैलेंज, एनी वन हु इज अ पार्टी टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कैन चैलेंज, ठीक है. सेकेंड हमने पढ़ा अथॉरिटी, कि किस अथॉरिटी के पास में चैलेंज होगा. तो हमने देखा, देखो प्राइम अथॉरिटी बेसिक अगर मैं बोलूं तो प्रोसीजर के हिसाब से, इफ इट इज अ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, देन अपील इज फाइल टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. Appeal is filed to, appeal rather, we can say challenge is filed to district court. And if at all it is an international commercial arbitration, then the challenge is filed to high court. But इन्होंने कहा कुछ केसेस में सीधा डोमेस्टिक केस में हाई कोर्ट में भी जाते हैं. तो इस कारण से इन केस ऑफ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन चैलेंज इज फाइल्ड टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एंड वही इन केस ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन द चैलेंज इज फाइल्ड टू हाई कोर्ट. अथॉरिटी क्लियर हो गई, वंडरफुल. फिर आ गया टाइमलाइन, कि कितने टाइमलाइन में दिस चैलेंज कैन बी डन. चैलेंज का टाइमलाइन हो गया 3 मंथ्स प्लस एक्सटेंशन ऑफ 30 डेज फॉर विच एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट हैज टू बी गिवन. सुपर इजी. एंड लास्ट आ गया ऑटोमेटिक स्टे. क्या ऑटोमेटिक स्टे जैसा कुछ होता है क्या?
इन्होंने कहा कि नहीं, देयर इज नथिंग लाइक ऑटोमेटिक स्टे, यू टू मेक एन एप्लीकेशन ऑफ द कोर्ट फॉर द स्टे ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड. बस इतना सा हमने पढ़ा है. और अब अगर आप इस तरह से देखोगे ना तो चैप्टर बिकम सो इजी दैट एक्चुअली आपको हर एक चीज देखनी है. इसके अंदर क्या मुझे समझ में आ रहा है, हाँ एवरीथिंग इज अंडरस्टैंडेबल, खत्म हो गई बात. सो दीज आर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड. चलिए, यस वी विल, आई होप यू आर फीलिंग इट सुपर इजी, कोई परेशानी की बात ही नहीं है. एंड अनदर इजी टॉपिक बिफोर अस इज टाइप्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड. क्या आर्बिट्रल अवार्ड कितने प्रकार के हो सकते हैं? बहुत इजी है, चार टाइप के हैं. सबसे पहला फाइनल अवार्ड. फाइनल अवार्ड क्या होता है, जो एक आर्बिट्रेटर के पास में केस आया उसमें जो उसने फाइनल अवार्ड दिया है उसके पर जितने भी इश्यूज या डिस्प्यूट्स रेज हुए थे हर एक डिस्प्यूट का उसने फाइनल आंसर दिया है, दैट इज फाइनल अवार्ड. एन अवार्ड दैट इज मेड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ, एन अवार्ड विच इज मेड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ. क्या आगे पढ़ोगे आप कि आर्बिट्रल अवार्ड की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे पढ़ोगे सिग्नेचर होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए अवार्ड की. ये तीनों चीजें आप आगे पढ़ने वाले हो. रीजन वाली बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है, ध्यान रखना. तीन चीजें, सिग्नेचर होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए. सिग्नेचर होना चाहिए, रीजन होना चाहिए और डिलीवरी होनी चाहिए. दीज आर बेसिक प्रीक्विज ऑफ अ अवार्ड. क्या अवार्ड जो है वो आपको उस पर आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेटर का सिग्नेचर, अवार्ड जो है वो उसके ऊपर रीजन होना चाहिए कि अवार्ड का लॉजिक क्या है, रीजन्ड अवार्ड होना चाहिए. एंड लास्ट इज डिलीवरी, मतलब आपने दोनों पार्टीज को अवार्ड देना भी है, ठीक है, तो प्रीक्विजिट्स है. तो पहली चीज फाइनल अवार्ड क्या है, फाइनल अवार्ड इज एन अवार्ड विच इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ, मतलब ये सब कंप्लाइड है, एंड फाइनली एडजुडिकेट्स ऑन द इशू सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन. जो आर्बिट्रेशन के पास जो इश्यू सबमिट किए थे उसका फाइनल एडजुडिकेशन है, दैट इज नोन एज आर्बिट्रल अवार्ड. तो आर्बिट्रल अवार्ड रिफर्स टू एन अवार्ड विच कंप्लाइज विद ऑल द कंडीशंस ऑफ लॉ एंड विच आंसर्स ऑल द इश्यूज विच इज द फाइनल एडजुडिकेशन ऑफ ऑल द इश्यूज रेज्ड. कि जो जो इश्यूज रेज किए थे उसका फाइनल एडजुडिकेशन जो होता है उसे फाइनल अवार्ड कहते हैं. अंडरस्टैंडेबल, कोई भी आर्बिट्रेशन में जो उसने फाइनल अवार्ड पास करेगा ना, दैट इज फाइनल, सिंपल. इंटरिम अवार्ड क्या है, इंटरिम अवार्ड का मतलब समझो, जब तक मेरे पास आर्बिट्रेशन आया, अब आर्बिट्रेशन में 2 महीने लगने वाला है, तो 2 महीने के पहले मैं बीच में कुछ इंटरिम अवार्ड दे रहा हूं, आई एम गिविंग सम इंटरिम अवार्ड, दिस इज नॉट द फाइनल एडजुडिकेशन. आर्बिट्रेशन चल ही रहा है बट बीच में मैं कुछ इंटरिम अवार्ड दे रहा हूं, बीच में अवार्ड दे रहा हूं, दैट इज इंटरिम अवार्ड. देखना क्या लिखा है, देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ इंटरिम अवार्ड, वन विच रिमेन्स इन फोर्स टिल द फाइनल अवार्ड इज एंडर्ड. एक तो क्या होता है इंटरिम अवार्ड, कि जब तक फाइनल अवार्ड दे रहे हैं तब तक के लिए इंटरिम अवार्ड. जैसे कि नॉर्मल केसेस में क्या होता है, इंटरिम अवार्ड केसेस चालू हो गए उसके बाद में कोर्ट बोल देता है कि जब तक ये केस चल रहा है तब तक अक्यूज भारत छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, तब तक अक्यूज अपने असेट्स को सेल नहीं कर सकते. तो ये सब होते हैं इंटरिम अवार्ड. कौन से टाइप के, जिसके अंदर जैसे ही केस खत्म होगा ये सब इंटरिम अवार्ड भी कैंसिल हो जाएंगे. तो इंटरिम अवार्ड 2 टाइप के हो सकते हैं, एक अवार्ड जिसकी वैलिडिटी कब तक है, जब तक ये केस चल रहा है, एंड सेकेंड एंड अनदर इज फाइनल एज रिगार्ड द मैटर डील्स. एंड कुछ इंटरिम अवार्ड ऐसे होते हैं जो कि फाइनल है ऑलमोस्ट, कुछ इंटरिम अवार्ड ऐसे होते हैं जो कि फाइनल है, ड्यूरिंग वाली बात नहीं है, कुछ इंटरिम अवार्ड ऐसे होते हैं जो कि फाइनल होते हैं. तो इंटरिम अवार्ड में कैसा है, कुछ छोटा सा पिद्दू सा इशू है, हमारा केस चल रहा है उसमें लेकिन छोटा सा पिद्दू सा इशू भी आ रहा है, तो उसको हमने बीच में इंटरिम अवार्ड देकर खत्म कर दिया क्योंकि परेशानी नहीं है. तो इस तरह से कुछ इंटरिम अवार्ड ऐसे भी आते हैं जो कि फाइनल होते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, जिसको ऐसे नहीं टेम्पररी नहीं है, जो फाइनल ही है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर स्मॉल डिस्प्यूट. और कुछ इंटरिम अवार्ड ऐसे होते हैं विच इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द डिस्प्यूट. आई विल गिव यू एन एग्जांपल, ट्राई एंड अंडरस्टैंड. मान लीजिए मारुति और एमआरएफ, इसके बीच में आर्बिट्रेशन चल रहा है, मारुति और एमआरएफ के बीच में आर्बिट्रेशन चल रहा है, ठीक है, आर्बिट्रेशन स्टार्ट हो गया. उसके बाद में आर्बिट्रेशन स्टार्ट होते ही सबसे पहली चीज मारुति ने कहा कि आप प्लीज एमआरएफ को बोलिए, एमआरएफ को बोलिए कि एमआरएफ जो है ना, ये जो भी प्रोडक्शन साइकिल है, जो हमारा एमआरएफ पूरा का पूरा कंटिन्यू करके उसके जो प्रोडक्ट्स है वो हमको सेल कर रहा था, एमआरएफ हमारे अपने टायर्स हमें सेल कर रहा था, ठीक है, सो वी हैव अ ह्यूज चंक ऑफ ऑर्डर्स लेफ्ट, वी हैव अ ह्यूज चंक ऑफ ऑर्डर्स लेफ्ट, सो प्लीज ऑर्डर एमआरएफ दैट इवन ड्यूरिंग द आर्बिट्रेशन दे शुड नॉट स्टॉप द सप्लाई. तो सबसे पहली रिक्वेस्ट मारुति की क्या है कि जब तक ऑर्डर चल रहा है, देखो अगर हमारे डिस्प्यूट में फाइनल एडजुडिकेशन ऐसा आता है कि ऑर्डर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, ठीक है, तो एमआरएफ और हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, लेकिन जब तक ये आर्बिट्रेशन चल रहा है ऑर्डर एमआरएफ टू कंटिन्यू द सप्लाई. तो ये एक ऑर्डर पास कर दिया आर्बिट्रेटर ने, कहा ठीक है, सो आर्बिट्रेटर हैज ऑर्डर्ड एमआरएफ के एमआरएफ अप टिल दिस आर्बिट्रेशन इज गोइंग ऑन यू विल नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, आप कंटिन्यू करते रहिए, आर्बिट्रेशन के फाइनल डिसीजन में बताऊंगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ नहीं हुआ, एक बार किसने ब्रीच किया, लेकिन अप टिल द आर्बिट्रेशन इज गोइंग ऑन यू हैव टू कंटिन्यू योर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई. फेयर इनफ, फेयर इनफ. ये हो गया एक ऐसा इंटरिम अवार्ड है, अभी तक फाइनल एडजुडिकेशन तो हुआ नहीं है ना, लेकिन आर्बिट्रेटर ने बीच में एक इंटरिम अवार्ड दे दिया है, ये एक ऐसा इंटरिम अवार्ड हुआ जिसकी वैलिडिटी हुई है ओनली ड्यूरिंग द आर्बिट्रेशन.
चलो इसके अलावा कुछ और बेसिक इंटरिम अवार्ड हो सकते हैं, जैसे कि बीच में मान लीजिए हमारी मारुति ने या एमआरएफ ने कोई भी एक इशू रेस किया, कोई भी एक इशू रेस किया विद रिस्पेक्ट टू दैट कैन वी सप्लाई टू अदर्स, क्या हम दूसरी एंटिटी मारुति के कॉम्पिटिटर्स को भी सप्लाई कर सकते हैं क्या? तो आर्बिट्रेटर ने उस पर थोड़ा रिसर्च किया, सब कुछ किया और एट दी एंड दोनों की बात सुनने के बाद उसने ऑर्डर पास कर लिया कि यस, इस डिस्प्यूट को लेकर आर्बिट्रेशन तो चलेगा लेकिन एमआरएफ यू आर फ्री टू सप्लाई टू अदर्स, इसको लेकर कोई रेस्ट्रिक्शन मारुति नहीं लगा सकता। कॉम्पिटिशन एक्ट क्लियरली कहता है कि इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, सो एमआरएफ यू आर फ्री टू सप्लाई टू अदर्स, आप मस्ती सप्लाई करो। सो ये एक ऐसा अवार्ड हो गया जो सिर्फ आर्बिट्रेशन के दौरान नहीं चलेगा, ये थ्रू आउट चलता रहेगा। तो इंटरिम अवार्ड का मतलब इतना सा समझिए कि जब तक आर्बिट्रेशन चल रहा है, मान लीजिए आर्बिट्रेशन 4 months चला है, इसके बीच में भी आर्बिट्रेटर ने अगर कोई अवार्ड दिए हैं तो उसे कहा जाता है इंटरिम अवार्ड। इंटरिम अवार्ड दो टाइप के हो सकते हैं, एक इंटरिम अवार्ड जो ओनली ड्यूरिंग द टेन्योर एप्लीकेबल है और एक इंटरिम अवार्ड जो कि थ्रू आउट एप्लीकेबल रहेगा। That is an award only. Okay. So interim award एक ऐसा award होता है जो कि finalization के पहले pass किया जाता है. That is an interim award. Interim award दो type के हो सकते हैं. One award which is applicable only during the arbitration and the second type of interim award which is applicable throughout. जो एक बार apply कर दिया तो almost final ही है. Okay. So दो type के award पड़े. One is final award. One is interim award. I hope आपके दिमाग में clearly understandable हो रहा है. Final award is the award with respect to the final adjudication of the dispute, कि यहां पर arbitration खत्म होता है, arbitrator जा रहा है, the final adjudication जो होता है, that is known as final award. और interim award में भी एक type का final हो सकता है, लेकिन that is not the final adjudication of all the dispute. एक छोटा सा dispute था, उसको पहले ही कर दिया है, उसको पहले ही final कर दिया है, that will be termed as interim award. या फिर कोई award pass किया, जो कि during the tenure of arbitration होगा, that is interim award. Next आता है C, सेटलमेंट अवार्ड। आई गेस आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक जिसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है और एक होता है जिसके अंदर आप सेटलमेंट को उसी टाइम पे उनके पास आ रहे हो। तो हमने ऐसा पढ़ा था कि अगर हम ये कहना चाहते हैं दैट ऑल द फ्यूचर डिस्प्यूट्स विल बी रेफर्ड विद आर्बिट्रेशन, सारी फ्यूचर डिस्प्यूट जो है ना वो आर्बिट्रेशन से सॉल्व होने वाली है, अगर ऐसा कहा है कि सारी फ्यूचर डिस्प्यूट्स आर्बिट्रेशन से सॉल्व होने वाली है, अगर ऐसा कहा है सारी फ्यूचर डिस्प्यूट्स आर्बिट्रेशन से सॉल्व होने वाली है, दैट इज अ नॉर्मल आर्बिट्रेशन क्लॉज। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट हो चुकी है, आपके और मेरे बीच में कोई डिस्प्यूट हो चुका है, एंड देयर आफ्टर वी डिसाइड कि इस डिस्प्यूट को हमें आर्बिट्रेशन से सॉल्व करना है, वी हैव डिसाइडेड दैट दिस डिस्प्यूट विल बी सॉल्विंग थ्रू आर्बिट्रेशन, तो हमने ऐसा डिसाइड किया कि ये डिस्प्यूट हम आर्बिट्रेशन से सॉल्व करेंगे, तो उस केस में क्या होता है, अंडरस्टैंड, सेटलमेंट अवार्ड। जब डिस्प्यूट होने के बाद में हम आर्बिट्रेशन के पास आए हैं तो जो अवार्ड आता है दैट इज नोन एज सेटलमेंट अवार्ड। सो सेटलमेंट अवार्ड ड्यूरिंग द आर्बिट्रेशन प्रोसेस the parties may choose to settle the matter instead of having it adjudicated by arbitrator. रुको, that is different, जो हमने पढ़ा था settlement, यहाँ पे settlement award क्या पढ़ रहे हैं? I hope you're understanding, जो हमने पहले पढ़ा था, that is different, यहाँ पे settlement award के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? मान लीजिए कभी भी, don't get confused between that and this, ठीक है ना? वो अलग है जो हमने पढ़ा था, यहाँ पे settlement award is entirely different, focus here. Settlement award का यहाँ पे क्या कहना है? मान लीजिए कभी भी, एक arbitrator अपॉइंट हो चुका है, दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट्स एडजुडिकेट हो रही है, फोकस वेरी केयरफुली, ड्यूरिंग द आर्बिट्रेशन प्रोसेस आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो चुका है, द पार्टीज मे चूज टू सेटल द मैटर इंस्टेड ऑफ हैविंग इट एडजुडिकेटेड बाय द आर्बिट्रेटर। तो दिमाग में एकदम अच्छे से रखो, जो हमने पहले पढ़ा था दैट इज अ डिफरेंट थिंग, जो हम अभी पढ़ रहे हैं दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। सेटलमेंट अवार्ड क्या हो गया यहां पे? हम पढ़ रहे हैं 4 type के अवार्ड। आर्बिट्रेशन स्टार्ट हो गया, एक बार आर्बिट्रेशन स्टार्ट होने के बाद प्रॉपर आर्बिट्रेशन हुआ, फाइनल अवार्ड आया, फाइनल अवार्ड। आर्बिट्रेशन चल रहा है, बीच में कोई अवार्ड आया, इंटरिम अवार्ड। आर्बिट्रेशन चल रहा है और दोनों पार्टीज, फॉर एग्जांपल एक्स और वाई के बीच में आर्बिट्रेशन चल रहा है, एक्स एंड वाई इन बिटवीन थिंग्स, क्या सुना ये आर्बिट्रेशन से भी टाइम लगने वाला है, एक काम करते हैं अपन दोनों ही बैठे हैं, लेट्स गो फॉर सेटलमेंट During the arbitration, if the parties intend to settle the dispute before the arbitrator has given his final judgment, arbitrator ने final judgment दिया है, उसके पहले अगर parties decide कर लेती है कि हमको settle करना है dispute, that is a settlement award. एकदम easy. During the arbitration process, the parties may choose to settle the matter instead of having it adjudicated by the arbitrator. In such a situation, the arbitrator could assist the parties in arriving at the settlement. If a settlement is arrived at, the arbitrator has no objection with it, then terms of the settlement could be made part of an award. This is referred to in settlement award. समझना मेरी बात को बहुत carefully. आप समझो, ये क्या हो रहा है पता है? Normally आपका issue जाता court में, आपने कहा court में नहीं करते हम इसको alternative dispute तरीके से solve करते हैं और court में बहुत process में time लगता है, let's go for arbitration. सुना,
कोर्ट में जाना था, हमने कहा नहीं लेट्स गो फॉर आर्बिट्रेशन। तो अब आर्बिट्रेशन में, ठीक है, आर्बिट्रेशन में हो, आर्बिट्रेशन के दौरान भी आपको लग रहा है ये भी समय लगने वाला है, आर्बिट्रेटर आएगा उस पर डिपेंडेंट, एक काम कर देना अपन दोनों पार्टी बैठ के सेटलमेंट करते हैं, इतना टाइम लगने वाला है, सो लेट्स डू सेटलमेंट। आपने आर्बिट्रेशन के दौरान आर्बिट्रेटर एक फाइनल अवार्ड पास करता, उसके पहले आप एक सेटलमेंट पे आ गए हो दोनों पार्टीज, तो आप ये दोनों सेटलमेंट जो है ना, ये दोनों जो आपका सेटलमेंट ये आप आर्बिट्रेटर को बताते हो, बोथ ऑफ अस आर हैप्पी विद दिस, वी वांट टू सेटल आवर डिस्प्यूट ऑन दिस, वी वांट टू सेटल आवर डिस्प्यूट ऑन दिस, तो आर्बिट्रेटर बोलता है फाइन। आर्बिट्रेटर विल एंश्योर दैट वो जो उनका डिस्प्यूट सेटल हो रहा है जिसपे वो टर्म्स एंड कंडीशन लॉ के अंदर कंप्लाइड है, लॉ से कंप्लाइंट होना चाहिए, फिर आर्बिट्रेटर उन्हीं के सेटलमेंट टर्म्स को अपना अवार्ड बना देता है और उसको सारे लीगल कंप्लाइंट करता है, सेम कि अपना सिग्नेचर कर दिया उसके ऊपर, टर्म्स एंड कंडीशन जो है लीगली कंप्लाइंट होने चाहिए एंड जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है लॉ की वो सब कंप्लाई करता है और उसे ही अपना अवार्ड बना देता है। द डिफरेंस बिटवीन सेटलमेंट अवार्ड एंड आर्बिट्रल जो फाइनल अवार्ड इज, ये दोनों फाइनल है। द डिफरेंस बिटवीन सेटलमेंट अवार्ड एंड फाइनल अवार्ड इज जस्ट दैट फाइनल अवार्ड इज द एडजुडिकेशन अवार्ड बाय आर्बिट्रेटर, वेयर एज सेटलमेंट अवार्ड इज एन अवार्ड जो कि हम दोनों ने आपस में डिस्कशन, दोनों पार्टीज ने आपस में डिस्कशन करके फाइनली जो अवार्ड पे आ गए दैट इज सेटलमेंट अवार्ड। ये भी आर्बिट्रेटर को ही सबमिट करते हैं, आर्बिट्रेटर पूरा लीगल कंप्लेंट करता है, अपना सिग्नेचर करके देता है दैट दिस इज माय अवार्ड, बट दिस अवार्ड इज नॉट एडजुडिकेटेड बाय आर्बिट्रेटर, ये तो दोनों ने सेटलमेंट किया ना, एंड हेंस इट इज नोन एज सेटलमेंट अवार्ड। तो रेयर केस में होता है, बस हो सकता है उनको लगता है कि आर्बिट्रेशन में भी समय लग रहा है, सो द पार्टीज कैन एडजुडिकेट देमसेल्फ कि हम दोनों बैठते हैं और आर्बिट्रेटर के एडजुडिकेशन के लिए रुके, अपन दोनों बैठते हैं फाइनल कर देते टर्म्स को और उन दोनों ने नहीं कर दिया, तो वो आर्बिट्रेटर को सबमिट किया जाता है और आर्बिट्रेटर उसको लीगली कंप्लेंट करता है एंड दैट बिकम्स अ सेटलमेंट अवार्ड। एंड लास्ट इज एडिशनल अवार्ड। एडिशनल अवार्ड क्या, एकदम आराम से समझना, व्हेन अ फाइनल अवार्ड हैज बीन रेंडर्ड, फाइनल अवार्ड हो चुका है बट इट इज लेटर फाउंड आउट that certain claims that had been submitted to the arbitral tribunal were not resolved or adjudicated. Final award ho gaya, final award pura pass kar diya arbitrator ne, kya sab khatam ho gaya, main ja raha hu tata bye bye, lekin fir baad mein pata chalta hai are yaar lekin ye dispute mein ye do teen issues to rahi gaye, ye do teen issues to rahi gaye, final award does not have any provision for these things, uske liye aap wapas ja sakte hain, the party can request the arbitral tribunal to make an additional award covering the issues that has been left out. तो अगर मान लीजिए कभी भी फाइनल अवार्ड में कुछ इश्यूज अनआंसर्ड रह गए, इन द फाइनल अवार्ड देयर आर सर्टेन इश्यूज अनआंसर्ड, कुछ इश्यूज आंसर ही नहीं हुए, तो उन इश्यूज के लिए यू कैन अप्रोच आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के भैया जी ये दो तीन इश्यूज रह गए, देन द पर्सन विल फाइल एन अवार्ड, पहले फाइनल अवार्ड तो आ चुका है तो इस अवार्ड को कहा जाता है एडिशनल अवार्ड। सच अ रिक्वेस्ट मस्ट बी मेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द अवार्ड, फाइनल अवार्ड, ये फाइनल अवार्ड मिला है उसके 30 days के अंदर आपको रिक्वेस्ट करना है, तो अगर वो एक और अवार्ड पास कर लेता है दैट इज एडिशनल अवार्ड। डोंट यू थिंक इट्स सुपर इजी, क्या है कुछ नहीं, सबसे पहला चार प्रकार के अवार्ड पढ़ रहे हैं हम लोग, पहला अवार्ड हो गया फाइनल अवार्ड, वेरी इजी कि आर्बिट्रेटर जो फाइनल एडजुडिकेशन करता है ऑल द डिस्प्यूट्स एंड पासेस एन अवार्ड दैट इज नोन एज फाइनल अवार्ड, ओके। उसके अलावा ड्यूरिंग द आर्बिट्रेशन इफ आर्बिट्रेटर इज फाइलिंग इज गिविंग एनी अवार्ड दैट इज एन इंटरिम अवार्ड। इंटरिम अवार्ड फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं, वेरी इजी, एक हो सकता है इंटरिम अवार्ड विच इज टेम्पररी विच इज बी एप्लीकेबल ओनली ड्यूरिंग द आर्बिट्रेशन, एंड देयर कुड बी एन इंटरिम फाइनल अवार्ड जिसमें वो इंटरिम अवार्ड है बट वो उस लीगल इशू पे उस पॉइंट पे तो फाइनल है। देन इट कुड बी अ सेटलमेंट अवार्ड कि जब हमारे बीच में आर्बिट्रेशन चल रहा है उसके बीच दोनों पार्टीज ने डिसाइड करते हैं काम करते ना हम लोग इशू को सेटल कर देते हैं, तो हम दोनों पार्टीज ने ही इनिशिएट करके डिस्प्यूट को सेटल कर दिया, आर्बिट्रेटर को सबमिट कर दिया, आर्बिट्रेटर में चाहे तो असिस्ट कर सकता है और चाहे तो सिर्फ लीगल कंप्लायंस करके खत्म कर देगा, दैट इज अ सेटलमेंट अवार्ड। एंड द लास्ट वन इज एडिशनल अवार्ड कि अगर हमने आर्बिट्रेटर ने फाइनल अवार्ड दे दिया है लेकिन उसके 30 डेज में मेक्स एन एप्लीकेशन दैट दीज आर सर्टेन इश्यूज ओवर व्हिच यू हैव नॉट कवर्ड इन योर आर्बिट्रेशन अवार्ड इन योर फाइनल अवार्ड, सो द आर्बिट्रेटर कैन पास अनदर अवार्ड दैट अनदर अवार्ड इज नोन एज एडिशनल अवार्ड फॉर द रिमेनिंग इश्यूज। हा हा, सुपर इजी, आप जस्ट सोचो, ट्रस्ट मी ऑन दिस कि है क्या इसके अंदर। हम आज मिले सिर्फ इसलिए हैं यार, ओ कि एक एक्स्ट्रा आपका संडे सेशन क्यों ले लूं, ताकि अगर ये है बहुत आसान बट अगर कर मैं ये और कंसीडरेशन सब साथ में ले लेता ना तो आपको लगता तो बस उसके लिए है, तो बहुत इजी है। आप देखो ना क्या है, डेफिनेशन एंड जनरल प्रिंसिपल हो गया, उसके बाद सेकंड हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ अवार्ड, अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ अवार्ड में क्या है, चार अवार्ड है खत्म। वन इज फाइनल अवार्ड जो कि फाइनल एडजुडिकेशन है, सेकेंड इज इंटरिम अवार्ड जो फाइनल अवार्ड के पहले बीच में अगर कोई भी अवार्ड पास किया इंटरिम अवार्ड, इंटरिम अवार्ड फर्दर दो टाइप का है, एक टेंपरेरली जो ड्यूरिंग द केस ही रहेगा और एक थ्रू आउट रहेगा विच इज अ फाइनल इंटरिम फाइनल अवार्ड हो जाता है वो। थर्ड और फोर्थ, थर्ड आ गया आपका सेटलमेंट अवार्ड,
सेटलमेंट अवार्ड कौन सा अवार्ड हो गया कि हमारे बीच में आर्बिट्रेशन चल रहा था, उसी के बीच में हमें लगा कि दोनों पार्टीज मिलकर सेटल करते हैं, हम दोनों पार्टीज ने मिलकर सेटल करते हैं, दैट इज अ सेटलमेंट अवार्ड। एंड फोर्थ एंड द लास्ट वन, फोर्थ एंड द लास्ट वन इज व्हाट, जो हमने अभी पढ़ा, एडिशनल अवार्ड। कि अगर मान लीजिए एक फाइनल अवार्ड पास हो गया, लेकिन फाइनल अवार्ड के बाद में विद इन 30 डेज जो भी हमारे पार्टी को लगता है ये दो तीन इश्यूज पे, तो फाइनल अवार्ड में कोई पॉइंट ही नहीं है। फाइनल अवार्ड डज नॉट कवर द आंसर ऑफ दीज फ्यू इश्यूज, तो इन 30 डेज दे कैन मेक एन एप्लीकेशन टू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कैन फाइल एन अवार्ड फॉर दोज रिमेनिंग इश्यूज, एंड दैट इज नोन एज एडिशनल अवार्ड। चले यार, आपका टारगेट सिंपल होना चाहिए कि इस पे लेकर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आएगा तो आपने छोड़ना नहीं है। अब बेटा जी आपने क्या करना है, यस, ये पूरा रीड करना है, एग्जाम्पल नंबर 15, सारे सिनेरियो, सिनेरियो 1, 2, 3, 4। विश्वास मानो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड। एग्जाम्पल नंबर 15 पूरा रीड कर लो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड, रीड द एंटायर एग्जाम्पल नंबर 15। कोई भी सिनेरियो में अगर आपको परेशानी होती है तो मुझे बोलिए, एक भी सिनेरियो में आएगा, व्हाट वी हैव रेड राइट नाउ उसी को उन्होंने प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया है। एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि एग्जाम में संभावना है कि क्वेश्चन इसी तरह से आ जाए, कोई एक एग्जाम्पल के ऊपर ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो एग्जाम्पल को केयरफुली रीड करो, दिस मेक्स द कंसेप्ट सुपर इजी। जस्ट गिव रीड द एग्जाम्पल नंबर 15, रीड हो यार एग्जाम्पल 15। चलिए यारों, हैव यू रेड इट? सुपर आसान, मतलब इससे आसान भाषा में कैसे समझाया जा सकता है कंसेप्ट, देखो क्या लिखा है। नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन एंटर इनटू अ लॉन्ग टर्म कंसेशन अग्रीमेंट विद नागपुर एयरपोर्ट मेट्रो, ओके वंडरफुल, एनएमआरसी एनएएमईपीएल सेंटर हो गया, अ सब्सिडियरी ऑफ रिलायंस इंफ्रा टू डेवलप एंड ऑपरेट एन एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो प्रोजेक्ट विच इंक्लूड ब्रिंगिंग इन रोलिंग स्टॉक। This was to run the metro service for 30 years. This agreement was entered in 2008 and was terminated in 2012. Okay, तो हमें बाकी सब टर्म से मतलब नहीं कि एक्चुअली क्या था, बट ये टर्म एंटर हुए उसके बाद में टर्मिनेट हो गया इन 2012. The disagreements were A something, B something, C something, D something. All these according to this entity led to delay in turn, contributing to cost escalations, the matter was submitted to a 3-member arbitral tribunal for adjudication. हमें इससे मतलब कि हमारे लिए एग्जाम में या फिर हमारे लिए समझने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी आर्बिट्रेशन आ सकता है, कोई भी आर्बिट्रेशन आ सकता है, तो हमें बस पता होना चाहिए ओके दो एंटिटीज के बीच में हुआ था, फिर डिसएग्रीमेंट्स हुए और कुछ इश्यूज थे, ए बी सी डी चार डिस्प्यूट्स हैं जिसके ऊपर ये लोग आर्बिट्रेशन कर रहे हैं, थ्री आर्बिट्रेटर्स हैं यहां पर। सिनेरियो वन सुनना, the arbitral tribunal gives an award dealing with all the four disagreements, char disputes hai na, charo pe unhone award pass kar diya, it is one comprehensive award with reasons for all conclusion, this would be a final award as it conclusively deals with all the questions submitted to the arbitration, there is nothing further left to be adjudicated, khatam ho gaya। scenario 1,
ये आया आर्बिट्रेटर ने उन चारों इश्यूज पे एक रीजनड ऑर्डर दिया विद रीजन, हो गया, दैट इज अ फाइनल ऑर्डर, दैट इज अ फाइनल ऑर्डर, बात ही खत्म। सिनेरियो टू, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रेंडर्स एन अवार्ड, अवार्ड नंबर वन, विच डील्स ओनली विद डिसएग्रीमेंट्स ए बी एंड सी, सिर्फ ए बी और सी का उन्होंने इश्यू हैंडल किया। द आर्बिट्रेटर इन्फॉर्म द पार्टीज दैट दे विल रेंडर अनदर अवार्ड डीलिंग विद डिसएग्रीमेंट डी, अवार्ड नंबर वन इज एन इंटरिम अवार्ड। अब उन्होंने क्या किया, चार डिस्प्यूट से, चार में से उन्होंने तीन डिस्प्यूट के आंसर दे दिए और चौथा भी बाकी है। क्या फाइनल एडजुडिकेशन हो चुका है क्या? नहीं, फाइनल एडजुडिकेशन कब होगा, जब सारे डिस्प्यूट्स का आप आंसर कर देते हैं। सारे डिस्प्यूट्स का आंसर नहीं किया, बट ये तीन जरूरी लगे, इनको पहले कर दिया है। ये क्या है, इंटरिम ऑर्डर्स। क्या अभी तक फाइनल एडजुडिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने खुद ने भी नहीं बोला कि फाइनल, उन्होंने खुद ने बोला एक बाकी हम बाद में करेंगे, लेकिन तीन इंटरिम ऑर्डर्स उन्होंने पहले ही दे दिए, इंटरिम ऑर्डर्स। ये इंटरिम में भी कौन से वाले, इंटरिम फाइनल है कि इंटरिम हो गए बट इसका टेन्योर ड्यूरिंग नहीं रहेगा, ये फाइनल ही कर दिया उन्होंने। तो इंटरिम ऑर्डर्स ड्यूरिंग द फाइनल, ड्यूरिंग द आर्बिट्रेशन, बिफोर द फाइनल एडजुडिकेशन कर दिया। सिनेरियो थ्री, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल गिव एन अवार्ड एंड इन्फॉर्म द पार्टीज दैट दिस वाज फाइनल अवार्ड। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने एक अवार्ड दे दिया एंड कह दिया कि फाइनल अवार्ड है, कह दिया फाइनल है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा कि हमने कुछ पास किया एक और करेंगे तो इंटरिम होता, उन्होंने कह दिया कि फाइनल अवार्ड है। However, when the parties examined it, they realized that the award only deals with A, C and D. जब उन्होंने examine किया तो उन्होंने बताया कि A, C और D है। और arbitral tribunal क्या बोल दिया? कि वो final है। अगर वो नहीं बोलते final तो हम इसे interim मानते कि एक final आएगा। उन्होंने कह दिया कि ये final है। तो A, C और D का final लग गया। They bring it to the notice of the arbitral tribunal, which gives another award dealing with disagreement B. तो उन्होंने नोटिस किया कि हे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आपका वो बी वाला पॉइंट का इशू आपने आंसर नहीं किया, ये विद इन 30 डेज एप्लीकेशन दे दी। दिस लैटर अवार्ड इज एन एडिशनल अवार्ड। आई डोंट थिंक आई हैव टू टेल यू दिस, कि जो लैटर अवार्ड है, दिस इज एन एडिशनल अवार्ड, दिस इज एन एडिशनल अवार्ड। ओके, लास्ट इज सिनेरियो फोर, व्हाइल द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स वर गोइंग ऑन, द लॉयर्स ऑफ बोथ द पार्टीज मेट फॉर लॉन्ग डिस्कशन। आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स चल रहे थे, उसी बीच दोनों के लॉयर्स मिले फॉर लॉन्ग डिस्कशन। आपको पता है क्या होने वाला है, सेटलमेंट आने वाला है। They later informed the arbitral tribunal. उन्होंने arbitral tribunal को inform किया that the parties had settled the matter on disagreement. They submitted the settlement agreement to the arbitral tribunal with a request that it be incorporated into arbitral award. उन्होंने settlement कर दिया, बोला arbitrator को इसको आप award बना दो ना यार, ताकि final हो जाएगा। The arbitral tribunal, after scrutinizing the agreement, gave an award in which they include all the terms of agreement. This would be a settlement award. I don't think even an iota of doubt, even an iota of doubt is possible in here. चार प्रकार के award होते हैं, फाइनल अवार्ड, इंटरिम अवार्ड, सेटलमेंट अवार्ड एंड द लास्ट वन इज एडिशनल अवार्ड। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग पॉसिबल। चलो, लाइफ बहुत आसान है। यस, लेट्स गो अहेड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एन आर्बिटर अवार्ड। मैंने क्या कहा था आपको, यहां पर कुछ सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है। सबसे पहले जनरल प्रिंसिपल्स, डेफिनेशन, जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, टाइप ऑफ अवार्ड पढ़ लिए, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग अहेड विद रिक्वायरमेंट ऑफ एन आर्बिटर अवार्ड, कि एक आर्बिटर अवार्ड की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो, हम डिटेल में पढ़ेंगे बट पहले मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। पहला, मस्ट बी अ डिसीजन बाय मेजोरिटी। कि आर्बिट्रल अवार्ड जो है वो आर्बिट्रेटर्स के मेजोरिटी से आना चाहिए। वाह। मस्ट बी मेड इन राइटिंग, साइंड एंड डेटेड। द आर्बिट्रल अवार्ड मस्ट बी इन राइटिंग, इट हैज टू बी साइंड बाय द आर्बिट्रेटर, इट हैज टू बी डेटेड। डेटेड क्यों? ताकि वो अपील वगैरह के प्रोविजन में इजी जाए, ठीक है, चैलेंज वगैरह के प्रोविजन में इजी जाए। तो इट हैज टू बी रिटन, साइंड एंड डेटेड। ओके, इट हैज टू बी रीजन्ड। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि आर्बिट्रल अवार्ड हैज टू बी कंपल्सरली रीजन्ड। आर्बिट्रेटर ऐसा नहीं कर सकता कि अपने मन से दे दिया। हमने डेलिबरेशंस करके एक पॉइंट पढ़ा था कि अवार्ड जो है ना, इट हैज टू बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड, डिस्कस, एंड इट हैज टू बी अ रीजन्ड अवार्ड। उसके बाद में, अवार्ड मस्ट नॉट बी वेग। अवार्ड जो है बड़ा प्रिसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अवार्ड कभी भी वेग नहीं होना चाहिए। वेग समझते ना, जो कि अनक्लियर है, अनक्लियर नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर आपको एक एग्जाम्पल दे देगा तो आपके खत्म हो गया कि वेग क्या होगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट, अवार्ड शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। अवार्ड ऐसा होना चाहिए जो कि एक्चुअली परफॉर्म हो सके, राइट? इट हैज टू बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। आप समझो, इट हैज टू बी रियलिस्टिक। आप अवार्ड ऐसा दे देंगे जो कि अनरियलिस्टिक है तो भी नहीं चलेगा। अवार्ड हैज टू बी रियलिस्टिक, इट हैज टू बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। ओके, नेक्स्ट, इट मस्ट नॉट बी इलीगल। अवार्ड जो होगा, इट हैज टू बी लीगल, राइट? आप ये नहीं कह सकते, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आर्बिट्रल अवार्ड देता है कि इसको चौराहे पे खड़ा करके कोड़े मारो, आप नहीं कर सकते। दैट इज नॉट लीगल, दैट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो ऐसा भी अवार्ड नहीं हो सकता है आपका जो कि इलीगल है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ओके, एंड अदर रिक्वायरमेंट में एक ही है, डिलीवरी, और कुछ नहीं। खत्म, यहीं पे हो जाएगा। फिर चैलेंज का जाएगा, चैलेंज में आएगा मजा, चैलेंज में आएगा मजा। एक बार ये पढ़ लिया ना, चैलेंज में कुछ खास पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहां पर आ जाता है That it has to be delivery, मतलब delivered, कि arbitral award आपने पास कर दिया। मैं arbitral tribunal हूं, मैंने मैंने award पास कर दिया, मैंने करके मेरे पास रख लिया award, वो तो पास कर दिया,
अरे भैया पास कर दिया है तो दोनों पार्टीज को तो दे दो, तो अवार्ड हैज टू बी गिवन टू बोथ द पार्टीज, इट्स अ वेरी इजी थिंग, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। आ जाओ यारो एक एक करके पढ़ लेते हैं। चलिए, रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड, फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले उसके पहले जो इन्होंने ब्रीफ इंट्रो दिया है, द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 प्रिस्क्राइब्स सर्टेन रिक्वायरमेंट्स फॉर एन आर्बिट्रल अवार्ड। ओके, दे कैन बी कैटेगराइज्ड एज नेसेसरी, व्हिच मींस दैट द फेलियर टू एडहेयर टू दीज रिक्वायरमेंट वुड अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द अवार्ड। कि ये सब चीजें नेसेसिटी है, अगर इनमें से कोई भी चीज मिसिंग है, मान लो अवार्ड में रीजन नहीं है, अवार्ड डिलीवर नहीं किया आपने, अगर आपका अवार्ड इलीगल है, इनमें से किसी भी चीज को वायलेट करते हो तो अवार्ड वैलिड नहीं है। And other, which means failure to adhere to the requirements, would have no effect on the validity of award. And others, other जो लिखा है last में, जिसका आपने failure भी किया ना, तो उससे validity पे impact नहीं आता। For example, last others में क्या delivery? कि deliver अगर आपने नहीं किया तो ऐसे नहीं कि award invalid हो जाएगा, भैया deliver करो। तो ये बोल रहे हैं कि दो तरह से divide किया हमने, categorize किया है as necessary and others। तो ये हम पहले necessary वाला पढ़ रहे हैं, और others में तो मैंने आपको बताया एक ही है ना delivery। तो ये बता रहे हैं कि हम पढ़ाना चाह रहे हैं आपको requirement of arbitral award। तो requirement of arbitral award दो type के हैं, one is necessity and one is others। के others में क्या है, आप करो तो अच्छा है, नहीं करो तो भी invalid नहीं होगा, कुछ delay हो जाएगा, invalid नहीं होगा, लेकिन जो necessity है ये तो होना ही चाहिए, अगर इनमें से कहीं पे भी violation हुआ ना तो आपका award invalid हो जाएगा। देखो आराम से, can any topic be so easy यार? Next topic is going to be requirement, जो भी हम पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आता, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, टॉपिक पढ़ने वाले हम, बट मैं आपको बता रहा हूं रिक्वायरमेंट दो टाइप की, ठीक है, एक हो गई नेसेसिटी और एक हो गई अदर्स। नेसेसिटी में ये यहां पे वो रिक्वायरमेंट बताऊंगा मैं आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के इनमें से अगर कोई भी वॉयलेट की, नेसेसरी रिक्वायरमेंट अगर कोई भी वॉयलेट की तो अवार्ड ही इनवैलिड हो जाएगा, तो अवार्ड ही इनवैलिड हो जाएगा, तभी तो उसको नेसेसरी बोल रहे हैं हम। और अदर्स में तो एक ही है डिलीवरी, क्या आपने इसकी डिलीवरी कर देनी है, और अगर आपने अदर वाली रिक्वायरमेंट को वॉयलेट किया, डिलीवरी टाइम पे नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अवार्ड इनवैलिड है, ठीक है, थोड़ा बहुत इशू आया बट अवार्ड इनवैलिड नहीं हो जाता, ठीक है। तो दो टाइप की कंडीशन से आप रिक्वायरमेंट को दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, नेसेसिटी एंड अदर्स। वो आ जाओ, पहला, इट हैज टू बी अ डिसीजन बाय मेजोरिटी, ऑल द डिसीजन इंक्लूडिंग एन अवार्ड मस्ट बी मेड थ्रू मेजोरिटी, एंड अवार्ड मस्ट ऑल्सो बी कंप्लीट कंसर्निंग ऑल इश्यूज दैट आर सबमिटेड टू द आर्बिट्रल अवार्ड फॉर एडजुडिकेशन। जितने भी इश्यूज है वो सब आप आंसर कर दो, अदरवाइज अननेसेसरी आपको एक एडिशनल अवार्ड पास करना पड़ता है। तो सारे इश्यूज इंक्लूड कर दो और मेजोरिटी से देना है। ये भी आप पहले पढ़ चुके हो, ये रिपीटेशन है, यहाँ पे पहले आप पढ़ चुके हो दैट अवार्ड शुड बी गिवन बाय मेजोरिटी, ठीक है। नेक्स्ट, अवार्ड शुड बी मेड इन राइटिंग साइंड एंड डेटेड। क्या लिखा है, दिस सेक्शन रिक्वायर्स एन अवार्ड, this section requires an award to be in writing and having the signature of the member of the arbitral tribunal। writing hona chahiye, arbitral tribunal arbitrators ka signature hona chahiye। if it is not an award unless the two conditions are fulfilled, agar ye dono condition nahi hai na, ki award writing mein bhi sign nahi kiya hai, to matlab wo award hi nahi hai, usko award nahi manenge। it is quite possible that a particular arbitrator may not agree with the contents of the award। ho sakta hai teen arbitrator hain, decision majority se aa raha hai, to ho sakta hai ki ek arbitrator satisfied nahi hai but do arbitrator kar rahe hain। Therefore, the law only requires majority of arbitrators to sign। What are they saying? कि हो सकता है कि एक arbitrator satisfied नहीं हो, sign नहीं करेगा, चलेगा। Law का क्या कहना है? The majority of arbitrators have to sign। Beautiful। The majority of arbitrators to sign। ये line को underline कर दो। कभी कोई MCQ में किस तरह से आपको फंसा दिया तो you'll be very comfortable। The law requires the majority of arbitrator to sign। The law, however, requires the award to state the reason for any omitted signature। लेकिन आप majority का sign करा रहे हैं और किसी ने sign नहीं किया है, तो आपको उसका reason देना जरूरी है कि इस व्यक्ति ने sign क्यों नहीं किया। Majority ने क्या चलेगा, मान लीजिए आपके 5 arbitrator हैं, 3 ने sign किया चलेगा, बट आपको लिखना है कि इन दो लोगों ने sign नहीं किया और क्यों नहीं किया। They do not agree with the award or whatever is the case। चलिए focus करना अच्छा है, नहीं जैन साहब पूछ रहे आपको नोट करना है, नहीं 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 आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, ये आपको कुछ भी नोट नहीं करना है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, आर्बिट्रेशन एक ऐसा चैप्टर है, बहुत अलग है, आपने सीए फाइनल में बहुत कुछ पढ़ा है, आर्बिट्रेशन एकदम अलग चैप्टर है। ये एक ऐसा चैप्टर है विच इज नॉट डिफिकल्ट बट दिस इज वॉल्यूमिनस अननेसेसरी। तो इसके लिए बेटा जी मैं आपको एक अलग ही समरी नोट्स दे देगा जिससे कि आप पूरा का पूरा पढ़ पाएंगे। तो आपको कुछ भी पेन डाउन नहीं करना है, पेन डाउन करना होगा तो मैं आपको बताएगा, तो कुछ पेन डाउन नहीं करना है अभी, ठीक है ना। चलो अभी चिल करो, बस समझ लो अच्छे से, ठीक है। Law requires an award to be state the reason for any omitted signature, that's okay। The date of the award is of equal importance since it helps in determining various timelines, for instance within how much time can award be challenged before the court। So date bhi hona chahiye, to simple jo aapka self explanatory hai, kya the award must be in writing signed and dated। To kuch isme naya nahi padha hai, it has to be written signed and dated।
नेक्स्ट इट हैज टू बी रीजन, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अवार्ड के साथ में आपको रीजन देना अनिवार्य है। तो कभी भी अवार्ड आपका पास हो रहा है तो अवार्ड के साथ में आपको रीजन देना अनिवार्य है। अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर एन अवार्ड इज दैट इट शुड बी रीजन, फेलियर टू स्टेट रीजन वुड मेक द अवार्ड इनवैलिड। अगर आपने रीजन नहीं स्टेट किए देन द अवार्ड विल बिकम इनवैलिड। द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज रिक्वायर्ड टू रीच अ डिसीजन एंड इट हैज टू शो व्हाई इट रीच्ड अ पर्टिकुलर डिसीजन, कि आपने डिसीजन दिया वो ठीक है पर वो डिसीजन आपने क्यों दिया, कैसे पहुंचा आप उस डिसीजन तक, ये रीजन भी आपको देना जरूरी है। Presence of reason and would show that the arbiter have applied their mind to the matter, taken into considering all material put before them and only then arrived at a decision. कि आपको ध्यान रखना है कि reason देने का फायदा क्या है, कि समझ में आता है कि arbitrator ने actually अपना दिमाग लगाया है और organized तरीके से reason पे आए हैं, decision पे आए हैं। In other words, the decision would not be an arbitrary decision. The only exception is when the parties have agreed that no reason need to be given for the award. Exception क्या कह रहे हैं कि हमेशा award में reason होना चाहिए, हमेशा अवार्ड में रीजन होना चाहिए, बट इसका एक एक्सेप्शन है कि इफ द पार्टीज बोथ द पार्टीज हैव अग्रीड कि हाँ अवार्ड में रीजन नहीं चाहिए तो अवार्ड में रीजन को स्किप किया जा सकता है। अदरवाइज एवरी अवार्ड हैज टू बी रीजन, एवरी अवार्ड हैज टू बी रीजन, रीजन द एक्सेप्शन इज ओनली इफ द पार्टीज ओनली से कि रीजन की आवश्यकता नहीं दोनों पार्टीज, तब आप रीजन को स्किप कर सकते हो। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पूरा मस्ट बी रीजन, मस्ट नॉट बी वेग, बहुत क्लियर है कि आर्बिट्रल अवार्ड क्लियर होना चाहिए, आप उसको वेग नहीं रख सकते। इसका एग्जाम्पल भी आपके लिए देखो आगे, द आर्बिट्रल अवार्ड शुड बी बोथ सर्टेन एंड क्लियरली नोट एज टू वॉट ईच पार्टी हैज टू डू, इट शुड नॉट बी वेग, इट हैज टू बी क्लियर कि हर एक पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इन अदर वर्ड इट मस्ट बी क्लियर अबाउट डिसीजन ऑन ईच इशू लाइबिलिटी विच ईच पार्टी हैज टू बैर एंड फाइनली वॉट रिलीफ हैज बीन अवॉर्डेड टू पार्टीज। एग्जैक्टली लिखा होना चाहिए क्या क्या आपको करना है और क्या क्या रिलीफ मिला है, कि आपको ये काम करना है, आपकी ये पनिशमेंट है और आपको ये रिलीफ मिल रहा है आपको ऐसा। इन अदर वर्ड्स इट शुड नॉट सीम लाइक अ रिकमेंडेशन, आर्बिट्रल अवार्ड रिकमेंडेशन जैसा नहीं लगना चाहिए कि आपको इनको पैसे देने चाहिए, चाहिए नहीं पैसे देने होंगे। तो आर्बिट्रल अवार्ड शुड नॉट लुक लाइक अ रिकमेंडेशन, वी आर नॉट रिकमेंडिंग यू टू डू दिस, वी आर आस्किंग यू टू डू दिस, we are not recommending you to do this. The arbitrator is not recommending you ki ye kar lo, arbitrator is asking you that you have to do this. Must not be tentative, aisa aapko probability nahi rakhi aisa karna hoga, nahi karna hai. And must not leave a party with an option to either perform what is required or not. ya fir aap option nahi de sakte party ko ki dekho uske baad mein aapko fine to dena hi hai, fir aapko contract bhi jo hai na wo honor karna hai ya nahi karna hai ye aap dekh lena, karna chahiye aisa nahi, contract honor karna hoga. It cannot be vague, it cannot be tentative, it cannot be probable, there cannot be option. कि आप पे पनिशमेंट है, आपको ऑप्शन है कि आपको पनिशमेंट चाहिए कि नहीं, ऑफ कोर्स ऐसा कुछ नहीं, आपको क्लियर कि ये आप पे पनिशमेंट है, आपको ऑनर करना पड़ेगा। वेगनेस शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट, कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में किसी भी प्रकार की वेगनेस नहीं होनी चाहिए। दस देयर शुड नॉट बी एनी डाउट एज टू कंटेंट ऑफ द अवार्ड, तो कंटेंट ऑफ अवार्ड को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्या पढ़ा हमने, टॉपिक क्या है, दैट द अवार्ड शुड नॉट बी वेग, द अवार्ड शुड नॉट बी वेग। उसमें हमने पढ़ा कि अवार्ड वेग नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, आप उसमें ऑप्शन नहीं दे सकते हो, टेंटेटिवनेस नहीं दे सकते, अवार्ड हैज टू बी वेरी क्लियर। आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 16 रीडो यार, एग्जाम्पल्स विल मेक योर लाइफ वेरी इजी। मैं आपको जब कल जब हम लेक्चर को कंक्लूड करेंगे ना, चैप्टर कंक्लूड करेंगे, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आपने क्या दिमाग में रखना है इस चैप्टर को रिवाइज करते रहें, सिर्फ वो समरी नोट्स एंड यू टू रीड ऑल द एग्जाम्पल्स विद नंबर, सारे एग्जाम्पल रीड के लिए नोट्स है एंड वो समरी नोट्स, यू आर ऑल सॉर्टेड। चलिए उसके बाद में हम पास से क्वेश्चन भी देखेंगे, तब आपको और क्लैरिटी समझ में आएगा कि जीवन कहाँ चल रहा है। वो रीडो यारो, रीडो I hope you've read. क्या लिखा है देखो,
ऊपर का ठीक है कि भाई साहब कोई डिस्प्यूट हो गया था, क्या ऑर्डर्स है? सिनेरियो वन, सुनील शुड कंपनसेट अनिल, कंपनसेट करो, अरे कंपनसेट करो, अरे अरे क्या करो, मसाज दूं उसको, कैसे कंपनसेट करूं, यू हैव टू क्लियरली स्पेसिफाई एवरीथिंग, जो नहीं 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 सुनील शुड कंपनसेट अनिल, अरे भैया जी कुछ क्लैरिटी है ही नहीं है। नेक्स्ट, सुनील शुड पे अनिल 2 crore इन 2 installments, ये बड़ा क्लियर लग रहा है, ये बड़ा क्लियर लग रहा है, बट इसमें भी क्लैरिटी कमी है। क्या कमी है? कि 2 installments में पे करना है, 2 installments कब पे करना है? एक आज दे रहा हूं, एक देता हूं मैं, कब? अंत से अनंत के बाद मैं देता हूं भाई, अरे मैं देता हूं एक बार। सो दैट इज ऑल्सो अनक्लियर। लेकिन थर्ड देखो, सुनील थर्ड को देखने के बाद लगता है कि हाँ सेकंड अनक्लियर था। सुनील शुड पे अनिल 2 crore विद इन 2 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ अवार्ड अलॉन्ग विद 10% इंटरेस्ट, फेलियर टू डू सो विद अट्रैक्ट एडिशनल 2% पर डे इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट टिल द अमाउंट इज फाइनली पेड, पेमेंट शुड बी डन ईदर थ्रू आरटीजीएस और थ्रू अ डिमांड ड्राफ्ट। इसे कहते हैं क्लैरिटी। आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग दैट द अवार्ड कैन नॉट बी वेग, अवार्ड हैज टू बी वेरी क्लियर। Yes. Award, ये जो scenario 2 हमें clearly लग रहा था, बट जब scenario 3 पढ़ा था, अब समझ में आया कि अरे ऐसा आता है award में। Yes. आप court का कोई भी judgment देखो, उसमें जो final award है वो इतना clear आता है, क्योंकि उनको पता है कि vagueness नहीं छोड़ सकते, पे करना है। अगर ये बोल के छोड़ दिया तो सामने वाला पे नहीं करेगा और वो वापस एक और केस लेकर कोर्ट में आएंगे। सो वी कैनॉट टेक दैट चांस, हमें वी हैव टू गिव अ वेरी क्लियर ऑर्डर, वी हैव टू गिव अ वेरी क्लियर ऑर्डर। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, दैट अवार्ड हैज टू बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, रियलिस्टिक होना चाहिए। आपने अवार्ड ऐसा पास करता है जो प्रैक्टिकली नहीं है, फीजिबली नहीं है, रियलिस्टिक ही नहीं है, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। सो द अवार्ड शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, द अवार्ड मस्ट बी रियलिस्टिक इन व्हाट इट सजेस्ट्स, अवार्ड रियलिस्टिक होना चाहिए इन व्हाट इट सजेस्ट्स, एंड शुड नॉट आस्क पार्टीज टू डू समथिंग दैट इज नॉट पॉसिबल और इलीगल, एंड अनएनफोर्सेबल अवार्ड वुड बी सेट असाइड, कि जो एनफोर्सेबल नहीं है इलीगल है। इलीगल के लिए नेक्स्ट पॉइंट आता है वैसे, तो जो एनफोर्सेबल ही नहीं है, जो आप कर ही नहीं सकते, जो केपेबल नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है, इम्पॉसिबल है, ऐसा अवार्ड है। एंड लास्ट बट नॉट मस्ट नॉट बी इलीगल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, अंडर द लॉ अ पर्टिकुलर अवार्ड दैट इज इन वॉयलेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी वुड बी सेट असाइड। तो अगर आपने कोई ऐसा अवार्ड पास कर दिया है विच इज इन वॉयलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, तो उसे भी सेट असाइड कर दिया जाएगा। पब्लिक पॉलिसी रिप्रेजेंट सम ऑफ द मोस्ट चेरिश्ड एंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसी ऑफ द स्टेट, एंड अवार्ड वुड बी इन वॉयलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इफ इट इज कॉन्ट्री टू सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ लॉ। आप लॉ के अगेंस्ट या किसी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो उस केस में भी आपका अवार्ड सेट असाइड हो जाएगा। ये हो गए नेसेसरी रिक्वायरमेंट, ये हो गए नेसेसरी रिक्वायरमेंट। नहीं, देखो कितने नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। पहला, इट हैज टू बी डिसीजन बाय मेजोरिटी। दूसरा, मस्ट बी रिटन साइंड एंड डेटेड। तीसरा, मस्ट बी रीजन। चौथा, मस्ट नॉट बी वेक। देन पांचवा, शुड बी केपेबल ऑफ बींग परफॉर्म एंड मस्ट नॉट बी इलीगल। अरे मुझे आप एक बार सोच के देखे ना, तो इसके आगे जो भी कंटेंट हमने पढ़ा, लेकिन डोंट यू थिंक दैट दिस लाइन इज इन इटसेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एक सीएस फाइनल, एक सीए फाइनल के बच्चे को तो ये बोलने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इट इज वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो यहां पे पेजेस काफी बचाए जा सकते थे। चलो हम समझते हैं हमारे 6 नेसेसरी वाले रिक्वायरमेंट थे, 6 नेसेसरी है, इन 6 में से एक भी मिसिंग है, एक भी वॉयलेट होता है, द अवार्ड इज इन सेल्फ इनवैलिड। इन 6 में से एक भी वैलिड नहीं, एक भी वॉयलेट होता है, अवार्ड बन जाता है इनवैलिड। डिसीजन बाय मेजोरिटी, मस्ट बी रिटन साइंड एंड डेटेड। आ जाओ यहां पर फोकस करना अच्छे से। मेजोरिटी, मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा सुंदर आ रही है ना आज, मेजॉरिटी से होना चाहिए। मस्ट बी रिटन साइंड एंड डेटेड, देयर आफ्टर रीजंड एंड आई थिंक रीजंड एंड मस्ट नॉट बी वेक। आई एम ट्राइंग टू मेंटेन द सेम सीक्वेंस, रीजंड एंड इट शुड नॉट बी वेक। उसके बाद में इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, capable of being performed, and last is it should not be illegal, या फिर you can say against public policy। तो भाईया जी बस यही तो है हमने जो इतना सारा पढ़ा। दैट रिक्वायरमेंट कितने नेसेसरी रिक्वायरमेंट, देयर आर 6 नेसेसरी रिक्वायरमेंट, दैट अवार्ड हैज टू बी बाय मेजॉरिटी, अवार्ड हैज टू बी रिटन साइंड एंड डेटेड, अवार्ड हैज टू बी रीजंड, अवार्ड शुड नेवर बी वेग, अवार्ड शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड एंड इट शुड नॉट बी इलीगल। बस आप खुद ही सोचो एकदम आराम से, अवार्ड क्या मेजॉरिटी ने पास करना चाहिए, अवार्ड है ना शुड बी रिटन साइंड एंड डेटेड, अवार्ड शुड बी रीजंड, इट शुड नेवर बी वेग, इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड एंड नॉट इलीगल।
और ये हो गए नेसेसरी रिक्वायरमेंट। और एक अदर रिक्वायरमेंट में क्या आता है, डिलीवरी, कि ऑर्डर शुड बी डिलीवर्ड। देखो क्या लिखा है, अदर रिक्वायरमेंट में एक ही है, डिलीवरी, एन अवार्ड इज रेडी टू बी डिलीवर्ड एज सुन एज इट इज साइंड। जैसे ही साइन हो गया दोनों पार्टी को डिलीवर कर दो। एन अवार्ड दैट इज साइंड शुड बी डिलीवर्ड टू द पार्टी। बहुत बड़ा, अरे आपको ये शायर क्या भारी शायर है मुझे आप, नहीं, इन दोनों लाइन में डिफरेंस बताओ। वो नहीं आता था बचपन में, आप जब छोटे से थे, नन्हे से मुन्ने से थे, ऐसे आपके नोटबुक के पीछे दो फोटोज हुआ करते थे, डिफरेंस बताओ। बस वैसे ये दो लाइन, अरे ICAI के मॉड्यूल में दो लाइन दिए, एन अवार्ड इज रेडी टू बी डिलीवर्ड एज सुन एज इट इज साइंड, एज सुन एज इट इज साइंड इट इज रेडी टू बी डिलीवर्ड, एन अवार्ड दैट इज साइंड शुड बी डिलीवर्ड। वो हो यहां पे ये चैप्टर स्पेसिफिकली जिस प्रकार से लिखा गया है, मैं उस पर कुछ कहना चाहूंगा। आप बच्चों ने कभी ना कभी अपने जीवन में बीकॉम के एग्जाम दिए होंगे, मेजॉरिटी ने दिए ही होंगे ऐसा मैं मानता हूं। बीकॉम का एग्जाम एक व्यक्ति जिस लॉजिक से देता है उसी तरह से ये लिखा हुआ है, उसी तरह से लिखा हुआ है। अरे द चैप्टर कुड बी वेरी मच कंप्रेस, आवर लाइफ्स वुड हैव बीन वेरी इजीियर, बट नहीं। बीकॉम का आंसर आप कैसे देखते यार, कि एक बालक जब उसका जन्म हुआ था, ये वो डॉक्टर ने उसका पैर पकड़ के बाहर निकाला, तब से उसने दुनिया में जो भी देखा स्कूल में, प्री स्कूल, हाई स्कूल, जहां पे भी जो भी देखा, उस बीकॉम के एग्जाम के क्वेश्चन को देखने के बाद वो पूरे ब्रह्मांड की सैर करके आता है और उसको उन वर्ड्स के बारे में जो भी पता होता है वो लिखता है चार बार। सबसे पहले लिखेगा जो भी उसके मन में आया, उसके अंदर उसी चीज को वापस लिखेगा, इन नटशेल, सो इन सिंपल वर्ड्स, सो माय कंक्लूजन, हर एक चीज को वापस, वही जो लिख दिया उसी को वापस वापस करके चार पेज का आंसर लिखकर ऐसा सलाम ठोक के निकलेगा। और अगर वो सीए का स्टूडेंट है फिर वो यूनिवर्सिटी टॉप भी कर लेगा, बीकॉम में यूनिवर्सिटी टॉप भी कर लेगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। एन अवार्ड इज रेडी टू बी डिलीवर्ड एज सून एज इट इज साइंड, an award that is signed should be delivered. So in nutshell, award when signed should be delivered. In simple terms, as soon as award is signed, it should be delivered. Wo ho, bahut badhiya. BCom zindabad. Chalo, to yahan pe hamara topic aata hai रिक्वायरमेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। तो हमने भले चैप्टर को आज थिंक हम कितना एक घंटे से डिस्कशन कर रहे हैं, बट एक घंटे में हमने पढ़ा क्या है, डेफिनेशन, जनरल प्रिंसिपल्स, टाइप्स ऑफ अवार्ड एंड रिक्वायरमेंट। द प्रॉब्लम इज, जैसे मैं कह रहा था ना, मैं इसको आपको 15 मिनट्स में ही पढ़ा सकता था डायरेक्टली बाय दिस चार्ट 15 मिनट्स में, बट अगर हम अभी नोट्स को नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप आफ्टर द लेक्चर इस चैप्टर के नोट्स तो आप नहीं पढ़ सकते, इतना ज्यादा रिपीटेशन है कि एक व्यक्ति पढ़ते पढ़ते हिम्मत ही हार देता है कि छोड़ो ना यार नहीं पढ़ना। लेकिन एक बार पढ़ना बहुत अति आवश्यक है एट फाइनल लेवल। फाइनल लेवल पे हम सब कुछ ले सकते हैं बट एक चीज नहीं ले सकते, वो है रिस्क। चलो आ जाओ यहां पे। तो डेफिनेशन, जनरल प्रिंसिपल्स हो गया, टाइप्स ऑफ अवार्ड हो गया, रिक्वायरमेंट हो गया, डन राइट। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड I've never had any attempt, ठीक है ना, by the grace of God, मुझे कभी attempt नहीं लगाया है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि attempt नहीं लगने का एक ही कारण, मतलब ऐसा CA के अंदर अपने एक mindset रहता है ना कि हाँ attempt लग जाता है, it is okay, it is normal, तो ठीक है। मैं ये नहीं कहता attempt लगना वो अजीब सी बात है, it's okay, it's a part and parcel of the game, and at the end of the day when कैसे समझाऊँ, 1 out of 10 student is clearing the examination, so 9 out of 10 students might be failing the examination, and it is not so that these 9 people have not worked hard. बट कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो मुझे एक चीज लगती है ना कि व्हाट हैज बीन द की इन मी क्लियरिंग द एग्जामिनेशन इन वन गो, द की हैज बीन सिंपल वन थिंग दैट यू हैव टू व्हाइल रीडिंग। दो चीजें, जब एक बार पढ़ रहे हो उसको एकदम डेप्थ में पढ़ो, द फर्स्ट रीडिंग हैज टू वेरी डेप्थ। एक थ्योरी पढ़ने की गलत तरीका क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं पहली रीडिंग फास्ट कर लेते हैं। पहली रीडिंग फास्ट आप कर ही नहीं सकते, फर्स्ट रीडिंग हैज टू बी सुपर स्लो। मतलब कुछ बच्चे ने हमें बहुत समय लग रहा है, कोई टेंशन मतलब समय ले, जितना समय आप फर्स्ट रीडिंग में ले रहे हो ना उतना ही जीवन आसान जाएगा, बिकॉज सेकंड थर्ड रीडिंग में बारीक पॉइंट को देखते नहीं, सटासट रिवीजन करते हो सटासट। सो द फर्स्ट रीडिंग होती है वही आपको नॉलेज देती है, सेकंड थर्ड रीडिंग तो सिर्फ एग्जाम के लिए हो रही है। सो फर्स्ट रीडिंग बहुत केयरफुली करो। एंड दूसरी चीज मुझे लगता है दैट आई हैव नेवर स्किप्ड एनीथिंग। हाँ ये मैं क्लियर रहा है कि मैं कभी कोई चीज छोड़ के नहीं जाता बचपन से, मतलब छोड़ के क्यों जाना है, पढ़ना है मतलब है बुक में तो पढ़ना ही है। सो आई नेवर स्किप एनीथिंग। सो दैट इज ए सिंपल की, बिकॉज हम ये सब जो कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन, जैसे कि मैं भी करता हूँ, मतलब एज अ टीचर आई ऑलवेज एनालाइज पास्ट पेपर। जैसे कि मैं अगर आर्बिट्रेशन का आपको पास एनालिसिस बताऊंगा ना, तो इससे अपेक्षा है कि एग्जाम में 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ये उसकी अपेक्षा है, खत्म। कि पास्ट पेपर्स देखे सारे, पहले तो आर्बिट्रेशन सिलेबस में नहीं था, जब से आया फिर अप्रॉक्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, तो एक अपेक्षा बन जाती है। बट ट्रस्ट मी एज अ स्टूडेंट आई हैव ऑलवेज सीन कि ये एक्सपेक्टेशंस अपनी जगह पर हैं, लेकिन ICAI अपने पे उतरता है ना तो वो सोचता है कि स्टूडेंट की सबसे पहले तो इस एक्सपेक्टेशन को फोड़ो और फिर उसकी पर्सनल एक्सपेक्टेशन को फोड़ो।
तो ये जो एक्सपेक्टेशन है धरी की धरी रह जानी है कि आप सोचते हो कि यार ये तो जो जैसे कि मान लीजिए सिलेबस में 15 चैप्टर है किसी भी एक चैप्टर में आपने पास्ट पेपर एनालिसिस कर लिया या फिर बर्ड आई व्यू आता है उसको देख लिया और देखा ये दो चैप्टर है तो हर एग्जाम में सिर्फ 5-5 मार्क्स के आते हैं इनको छोड़ देते हैं 90 मार्क्स का पेपर तो अपना होगा। मैं कह रहा हूँ ICAI को एक रैंडम अटेम्प्ट में उन दो चैप्टर से एग्जाम में 25 मार्क्स का पूछ लेगा। आपकी अपेक्षाएं धरी की धरी रह गई। So the first key to ensure to secure your attempt or to ensure that you never fail is to cover everything up. And now I understand saying this thing is very easy, but doing it is very difficult because the syllabus is so vast. The syllabus is so fucking vast. मतलब इतना बड़ा syllabus कैसे बना देते हैं यार ये लोग? इतना vast syllabus है। और सबसे बड़ा मैं सही कह रहा हूँ ना? As a student also. डायरेक्ट टैक्स को मैं देखता है ना तो मेरी इच्छा होती है कि डायरेक्ट टैक्स को भाई साहब पटक पटक के सिलेबस से निकाल दूंगा पटक पटक के। बट ये मेरी इच्छा होती है, आपकी नहीं हो सकती है। हर एक माय फेवरेट सब्जेक्ट हैज बीन अकाउंटेंसी हा फेवरेट लॉ हा फेवरेट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एवरीवन हैज देयर ओन पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। कुछ बच्चों को डायरेक्ट टैक्स बहुत पसंद होगा, हा बहुत ही अच्छा लगता है, कम होंगे ऐसे बच्चे बैठोंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग इनडायरेक्ट टैक्स पसंद आता है जनरली कि IDT अच्छा है। So what I'm trying to say is you might have your own positives and negatives, but one thing which is uniform is that the syllabus is vast. And to cover that vast syllabus, you'll have to start preparing as soon as possible. जितना जल्दी prepare करना शुरू कर दो कि उतना अच्छा है. And ensure the first reading is done very thoroughly. पहली reading बहुत thoroughly करो, बहुत thoroughly करो. ऐसी करो कि दुनिया हिल जाए. And I don't think at CA final level ये problem ज़्यादा आती है बच्चे को कि वो पढ़ रहा है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। At CA final level, when a student studying something, he is able to understand it. एक बार class किए फिर जब वो पढ़ता है तब आप समझिए 9 out of 10 things उसको बहुत comfortably समझ में आती है। But it is just कि ensure करना है कि जब exam में आएगी तभी हम इसको handle कर पाएं। And then इतने सारे vast syllabus को exam के एक दिन पहले compress करना, तो ये सब आपकी planning में incorporate होता है। एक बहुत बड़ी beauty है यारों, वो कर लिया ना तो मुझे लगता है कि मतलब बहुत सारे students वहाँ अटक जाते हैं कि exam के एक दिन पहले revise कैसे करना। तो अभी से जब आप प्रिपरेशन करते हैं, मैंने पहले भी शायद बातों में बोला था, अभी से एक हाइलाइटर या एक पेन से मार्क करते चलो कि जो जो आपको लगता है डिफिकल्ट, कि एक पैराग्राफ उसका इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट तो उसको सर्कल करके वहीं पे पेन से अपने लैंग्वेज में लिख दिया ताकि एग्जाम के टाइम प्रॉब्लम आएगी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो एक एक्सेप्शनल एडजस्टमेंट मिलते हैं उसको हाईलाइट करके उसको अपने हिंदी में अपने तरीके से जैसे आप लिखना चाहते हैं यू रिटन इट देयर कि हाँ इसका एडजस्टमेंट ऐसे करना है, दैट वुड हेल्प यू इन अ सुप्रीम फैशन वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन। अ पर्सन हु इज एबल टू टच ऑल द टॉपिक्स वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन, नोबडी कैन स्टॉप हिम फ्रॉम क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, यार सवाल ही पैदा नहीं होता। एंड देन द लास्ट फेज कम्स, ये प्रिपरेशन का बता रहा था मैं कि व्हेन इनिशियल प्रिपरेशन में फर्स्ट रीडिंग बहुत अच्छे से करो, उसके बाद में एग्जाम ओरिएंटेड जब पढ़ते हो तो मार्किंग करते हुए चलो एग्जाम के एक दिन पहले, एंड फाइनली एग्जाम के एक दिन पहले अच्छे से रिवीजन करना है। एंड जो फाइनल चीज आती है टू कीप योर हेड स्ट्रेट एंड फाइन ड्यूरिंग दोज 3 आवर्स, दैट इज अनदर थिंग। आपने 25 साल से मेहनत की, बट अगर उस रिंग में जब आप उतरे तब आप ब्लैंक हो गए तो कोई मतलब नहीं है, सामने वाला व्यक्ति आपको धो देगा। सो आपने 3 साल 2.5 साल कितनी मेहनत की वो सब इररेलेवेंट हो जाएगा अगर उन 3 आवर्स में यू नॉट एबल टू कंट्रोल योर माइंड। दिस माइंड इज वेरी पावरफुल, आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप समझो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ डू यू कंट्रोल योर माइंड। आपका माइंड, आप समझो एकदम सिंपल तरीके से समझना, आपका माइंड 200 की स्पीड से भाग भी सकता है, 200 की स्पीड से भाग सकता है, मतलब उसको सब कुछ समझ में आएगा, सारा इंटरप्रिटेशन अच्छे से कर देगा, क्वेश्चन का आंसर भी आपको बता देगा, सब कुछ कर देगा। तो माइंड आपका 200 की स्पीड से भाग के भी आपकी मदद कर सकता है, या फिर माइंड अगर टेंशन में है ना तो वो चलने में भी परेशानी कर सकता है। तो आपको समझना होगा, यू जस्ट थिंक यू एंड योर माइंड आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड यू हैव टू कंट्रोल दैट इंडिविजुअल। इफ यू आर एबल टू कंट्रोल दैट इंडिविजुअल, आई एम टेलिंग यू एग्जाम आप ऐसे निकाल लोगे। होता कैसा है कि आप एग्जाम हॉल में घुसे, आपने अपने माइंड को कंफर्टेबल तरीके से काम ही नहीं करने दिया, आप उसने उसको पैनिक दे दिया, टेंशन दे दिया, अब वो टेंशन पैनिक हाथ कांप रहे, लिखा नहीं जा रहा है, तो उसमें आपका दिमाग फिर एकदम स्लो काम करता है ना, बोल रहे हो अरे ये क्वेश्चन पढ़ा था बता कहाँ, आपका माइंड ढूंढ रहा है यार इसको पढ़ा तो था मिल नहीं रहा यहां के रखा था। और वहीं अगर आपका माइंड एकदम ऐसा कॉन्फिडेंट है, ओ कौन सा क्वेश्चन चाहिए ये वाला चाहिए रुक देता हूं ये निकाल के दिया ये ले लिख दे फटाफट ये चाहिए दे रहा हूं, जस्ट इमेजिन यू एंड योर माइंड इज टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। And I'm telling you, वो आपका व्यक्ति आपको उसको कंट्रोल उसको खुश रखना है। Just keep your mind very happy and very confident। अरे तू फोड़ देगा, अरे तू इंसान दे, सही टाइम पे पूछूंगा जवाब दे देना। आप उसको टेंशन दे दो, पैनिक दे दो, एग्जाम में और पास नहीं हुआ 6 महीने और हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो जाएगा, वो इतना पैनिक में होता है क्या चाहिए ये चाहिए रुक देखने दे मेरे को, वो डर के काम कर रहा है। सो इंश्योर पढ़ाई के टाइम पे प्रिपरेशन भी सही रखो, एग्जाम के एक दिन पहले कैसे पढ़ाई करते हैं उसकी तैयारी करके रखो, एंड इन दोस्त थ्री आवर्स बी वेरी कॉन्फिडेंट और एक माइंड को एकदम तूफान रखो। एंड अगर आप उस लेवल पे जा रहे हो कोई ताकत आपको टच नहीं कर पाएगी।
इन द अटेम्प्ट आई क्लियर ना, जो सर में क्लियर होता, आई थिंक इट वॉज, इफ आई एम नॉट, मतलब मैं आपको अटेम्प्ट बता रहा हूँ, इट वॉज 2015 नवंबर अटेम्प्ट, 2015 नवंबर अटेम्प्ट था जिसमें मैं क्लियर हुआ था. टू माई लिमिटेड नॉलेज तब आई थिंक 4% something रिजल्ट आया था ऑफ बोथ ग्रुप. बोध ग्रुप का रिजल्ट आया था 4% something. आई एम नॉट टू श्योर, आई डोंट रिमेंबर. आई थिंक 4% something रिजल्ट आया था बोध ग्रुप का, है ना. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, इट इज नॉट सो कि रिजल्ट बुरा आएगा, अच्छा आएगा, हो सकता है, बट इफ इट ऑल यू आर ऑल सॉर्टेड ना, तो आप फोड़ दोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. आधी जनता तो उस टेंशन में बैठी है ना, आधी जनता जब एग्जाम देने जाती है तब उस टेंशन में हो रही है, और क्या होगा क्या होगा क्या होगा. यू हैव टू फॉरगेट ऑल ऑफ दोज एंड यू टू फोकस, एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल सेल थ्रू यार, यू विल सेल थ्रू. कुछ है ही नहीं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आई एम टेलिंग यू. लेकिन 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 जिस दिन आप पास हो गए ना, मैं आई विल बी वेरी फ्रैंक विथ यू, एज एन इंडिविजुअल आई रिमेंबर फ्यू डेज ऑफ माई लाइफ. हर एक व्यक्ति के साथ होता है, उसको जीवन के कुछ दिन याद रहते हैं, उसमें से एक ऐसा दिन होगा जिस दिन आपका सीए का रिजल्ट आएगा ना फाइनल का, आप सीए बन जाओगे ना, वो दिन आप अपने जीवन में नहीं भूल सकते, वो दिन आप अपने जीवन में नहीं भूल सकते, भूल ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है. सिर्फ उस मोमेंट के बारे में इमेजिन करो. और जनरली जैसे ही होता है ना, एक व्यक्ति रेस जीत जाता है तो वो कैसा फील करता है आपने देखा होगा ना, कि एक व्यक्ति रेस जीत जाता है, कि एक व्यक्ति रेस होता है तो या ऐसे रेस जीत जाता है, ठीक है. आई हैव सीन वेरियस स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग इन फ्रंट ऑफ माई ओन आईज, राइट. आई एम टेलिंग यू ना, होता है उनमें से भी कुछ ऐसे होते हैं, ये आई हैव क्लियर इट अप, बट मेजॉरिटी लोगों का रिएक्शन पता है क्या होता है, ये देव क्लियर एंड देयर जस्ट ये रिजल्ट देखा एंड देयर लाइक सी दे आर जस्ट, दे हैव दिस फीलिंग दैट वी आर सॉर्टेड. हम जो 4-5 साल पहले एक प्रोफेशन में एंटर हुए थे, जब से लेकर अभी तक हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ उस प्रोफेशन के बारे में सोच रहे हैं, और वो दिन एंड हो चुका है. मैं एक वर्ड देता हूँ उस फीलिंग को, दैट इज रिलीव्ड, हैप्पीनेस, दिस टीयर्स, एवरीथिंग विल कम अलोंग. द बेस्ट फीलिंग इज दैट रिलीव्ड फीलिंग, यू लाइक इट इज डन, आई डोंट हैव टू एवर टच दोज बुक्स अगेन, आई डोंट एवर हैव टू सी दोज अमेंडमेंट्स ऑन यूट्यूब अगेन, आई डोंट एवर हैव टू गो थ्रू इट अगेन. दैट्स अ ह्यूज फील. मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप सब अच्छे एक्सपीरियंस करोगे, जिस दिन आपका सीएफएल का एग्जाम क्लियर हो जाएगा ना, उस दिन एक बार तो ये फीलिंग आ जाएगी रिलीव वाली, कि हाँ डन. ये कब आखिरी ग्रुप की बात करूँ, जिनका बोथ ग्रुप क्लियर हो, जिसका लास्ट ग्रुप क्लियर हो रहा है, दिस इज गोइंग टू बी इनसेन फीलिंग, राइट. एंड उसके बाद में थोड़े दिन के लिए एमलेस लगेगा, एमलेस मतलब समझिए क्या करो, अब क्या करो, और अब क्या, किसी ने बोला ही नहीं कुछ, अभी तक तो लाइफ में भाग रहे थे, सी सारे सपने, सुबह सुबह अलार्म लगा रखी, आशाएं खुले दिल की, एकदम भाई साहब सब वही चल रहा है लाइफ में, एक ही गोल. अब जिस दिन से, अब क्या किए, किसने बताया नहीं अभी तक, अब क्या करो. एंड देन फिर जॉब और दूसरी चीजें चालू होती है, बट फॉर अ फ्यू डेज यू फील एमलेस. मतलब अभी तक आप एक एरो की तरफ भाग रहे थे, बस उधर भागना है, कहां उधर भागना है, उधर भागो, डीटी भागो, आईडीटी भागो, लॉ भागो, एफआर भागो, भागते रहो, अरे सब हो गया, आप कहां भागो, कहां भागो. सो यू फील एमलेस, बट आई एम टेलिंग यू, That's a beautiful feeling in life that you will do something for yourself. कुछ है नहीं अब आपके सामने, मस्ती से फिर जॉब वॉब ये सब है. And everyone says and I agree with them कि struggle life में ख़त्म नहीं होता कभी भी, ऐसा नहीं कि पढ़ लिया ख़त्म, कुछ ना कुछ आता रहेगा, लेकिन कम से कम एग्जाम तो नहीं देना होगा ना. एटलीस्ट जो एजुकेशनल स्ट्रगल, ये अरे हाँ, कुछ बच्चे ना वो डेस्परेटली फील्ड वर्क करना चाहते हैं, कि हम मार्केट में उतर के मार्केट का स्ट्रगल करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू सी दैट स्ट्रगल, कि क्लाइंट लेकर आना है, ये सब करना, वी वॉन्ट टू सी दैट स्ट्रगल, बट एटलीस्ट द अकेडमिक स्ट्रगल शुड गो ऑफ ना. अकेडमिक स्ट्रगल तो जाए यार, एक बार अकेडमिक स्ट्रगल खत्म होता है तो लाइफ के अलग फेज में जाते हैं ना. सो दैट फीलिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. आई एम टेलिंग यू, आई ऑल्सो अग्री विद ईच एंड एवरी वन ऑफ दोज हु सेज दैट स्ट्रगल विल कंटिन्यू थ्रू आउट योर लाइफ, बट येस एटलीस्ट द अकेडमिक स्ट्रगल वुड एंड ना यार, एंड वील एंटर इन अ डिफरेंट फेज, जहाँ पे हमें ग्राउंड लेवल पे कुछ काम करना होगा, फील्ड वर्क करना होगा, तब आएगा मजा. एंड वेन यू गेट ऑन टू द फील्ड वर्क ना, देन आई एम टेलिंग यू, ये सब आपका जो बुकिश लैंग्वेज सब धरा रह जाता है. यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग, एंड देन ओनली यू सेल थ्रू. अलग मजा है उसका. चलो छोड़ो, बह गए हम लोग थोड़े से, चले जा रहा हूं. हम लोगों ने क्या पढ़ा आज, हम लोगों ने आज पढ़ा डेफिनेशन एंड जनरल प्रिंसिपल्स. ओफो रबर था क्या मेरे हाथ में, डेफिनेशन एंड जनरल प्रिंसिपल्स. फिर देखा टाइप्स ऑफ वर्ड, ये 4 जनरल प्रिंसिपल, टाइप ऑफ वर्ड 4, रिक्वायरमेंट में कुछ नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, ये 6 नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, कि अगर इनमें से कोई भी वॉयलेट कर दिया, इनमें से कोई भी पॉइंट अगर आपने वॉयलेट कर दिया, देन व्हाट हैपेंस, द एंटायर आर्बिट्रल अवार्ड बिकम्स व्हाट, द एंटायर आर्बिट्रल अवार्ड बिकम्स इनवैलिड. एंड देयर इज वन अदर कंडीशन, डिलीवरी कर दो ना, अगर डिलीवरी सही से नहीं भी कर पाए ना, तो भी आर्बिट्रल अवार्ड जो है वो वैलिड रहेगा, बट हाँ कर दो ना डिलीवरी, और डिलीवरी को 4-5 लाइन में बता दो क्या डिलीवरी होती है. चलिए आ रहा हूं, चलिए वंडरफुल. अब आ रहे हैं हम लोग आज के जो मैंने कहा था ट्रिकी टॉपिक पे, ठीक है ना. दिस इज चैलेंजिंग एन अवार्ड, 100% फोकस मेरे साथ में, सुनना. चैलेंजिंग एन अवार्ड, यहां से बताऊंगा मैं फर्स्ट सेट ऑफ चैलेंजेस, कि किस किस ग्राउंड पे चैलेंज होता है, ये यहां से आएगा.
कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ चैलेंज, के चैलेंज होने के उसके क्या कॉन्सिक्वेंसिस होते हैं वो यहां पर आएंगे, एनफोर्समेंट और खत्म हो जाएगा। तो हमें कितना पढ़ना है बेटा जी, देखो इतना सा पढ़ना है, सिर्फ हार्डली टू एंड हाफ पेज, टू एंड हाफ पेज भी नहीं है, बट ये इतना स्ट्रेट नहीं है। तो आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू फोकस वेरी केयरफुली चैलेंजिंग एंड अवॉर्ड 100% फोकस। भूल जाओ अभी तक जो देखा था, मुझे चाहिए आप सब 100%, क्योंकि अभी तक का सब तो बहुत ज्यादा ईजी था, अभी तक जो पढ़ा है वो बहुत ज्यादा ईजी था, अब थोड़ा सा कुछ ट्रिकी पार्ट पढ़ रहे हैं, मुझे सब लोग यहां पे चाहिए चैलेंजिंग एन अवॉर्ड पे। क्या अवॉर्ड को चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है फोकस है। एन आर्बिट्रल अवॉर्ड, एक बार जो अवॉर्ड आ चुका है, एन आर्बिट्रल अवॉर्ड कैन बी चैलेंज्ड ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड्स ओनली। आर्बिट्रल अवार्ड को कुछ सिलेक्टेड ग्राउंड्स पे ही आप चैलेंज कर सकते हो, हर किसी ग्राउंड पे चैलेंज नहीं कर सकते हो। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, केयरफुल फोकस करना। क्या आर्बिट्रल अवार्ड को आप सिर्फ स्पेसिफिक ग्राउंड्स पे चैलेंज कर सकते हो, हर किसी ग्राउंड पे चैलेंज नहीं कर सकते। दीज ग्राउंड्स आर क्लियरली नोटेड इन लॉ, ये सारे जो ग्राउंड्स हैं ये लॉ में क्लियरली नोट किए हुए हैं। तो हम पढ़ने वाले कि लॉ में क्लियरली लिखा है किन किन ग्राउंड्स पे आर्बिट्रेशन अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड कैन बी चैलेंज्ड। सुनना, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये हमारे काम का नहीं है बट इन्होंने दिया है हमारे लिए, इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं चैलेंज। हमारे एक्ट ने भी, हमारे मॉड्यूल ने भी हर जगह चैलेंज वर्ड यूज किया है, जिससे आपकी लाइफ आसान हो जाती है। अपील नहीं यूज किया, रिव्यू नहीं यूज किया, वर्ड यूज क्या करेंगे चैलेंज। ये कह रहे हैं कि आर्बिट्रेशन अवार्ड कैन बी चैलेंज्ड ऑन वेरियस ग्राउंड जो लॉ में लिखे। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट अ रिव्यू इज डिफरेंट फ्रॉम एन अपील, रिव्यू और अपील अलग होता है। इन सिंपल पैरेलल्स अगर मैं आपको बोलता हूं तो जिस अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया है हम उसी को वापस बोलते हैं, तो दैट इज अ रिव्यू, और हम उसकी सुपीरियर अथॉरिटी के पास जाते हैं, दैट इज एन अपील, इन सिंपल पार्लेंस। इन एन अपील बोथ क्वेश्चन रिलेटिंग टू लॉ एंड फैक्ट कैन बी रेज्ड। नाउ आई विल पर्सनली टेल यू आई डोंट अग्री टू दिस मच, बिकॉज प्रैक्टिकली अपील के अंदर क्वेश्चन रिलेटिंग टू लॉ ही रेज करते हैं जनरली, बट ठीक है मॉड्यूल ने लिखा है हमने भी लिख दिया। इन एन अपील बोथ क्वेश्चन रिलेटिंग टू लॉ एंड फैक्ट कैन बी रेज्ड, हाउएवर रिव्यू कैन हैपन ओनली ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड एंड नॉट द सेम एज अपील। रिव्यू सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड पे होता है एंड इट इज नॉट एक्जैक्टली सेम एज अपील। रिव्यू और अपील में डिस्कशन हमें नहीं करना है, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। उन्होंने यहाँ पे सिर्फ दो लाइन लिख के दे दी और उसमें से भी एक लाइन गलत लिख के दिए, तो हम लोगों ने तो मॉड्यूल में लिखा है वैसे इज कॉपी कर लिया है। आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, आई हैव डन माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आई हैव डन माय कंपनी सेक्रेटरीशिप, बट पैरेलली आई हैव डन माय लॉ। उसकी स्टोरी अलग है, कभी जीवन में कहीं और मिलेंगे तो बताऊंगा, बट इवेंचुअली आई डिसाइडेड टू प्रैक्टिस लॉ, तो आई एम अ लॉयर। देयर इज ह्यूज डिफरेंस, अपील अलग होती है, और अपील में भी व्हेन यू आर गोइंग टू एन अपील इन हायर कोर्ट तो आप सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अपील कर पाते हैं, बट इन्होंने कुछ लिख के दे दिया तो हमने इंस्टीट्यूट की इज्जत करते हुए यहाँ पे लिख दिया। हमें इसलिए केयरफुल रहना है दैट वी शुड नॉट यूज द वर्ड अपील और रिव्यू। मॉड्यूल ने भी क्या यूज किया आगे हर जगह पे वर्ड चैलेंज, मॉड्यूल ने भी चैलेंज ही किया हर जगह पे वर्ड चैलेंज क्यों लिखा है उसमें, अपील रिव्यू से मतलब नहीं, हमें कहा कि हम इसको चैलेंज कर रहे हैं बस, क्लियर है। तो आपको भी एग्जाम में केयरफुल रहना है, अपील या रिव्यू वर्ड यूज नहीं करना, बट इन्होंने क्या लिख के दिया आपको, लिख के दिया दैट अपील और रिव्यू अलग अलग होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं दोनों अलग बिल्कुल होते हैं, जैसे कि मैंने बताया जिस अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया है आप उसी के पास जनरली रिव्यू के लिए पास, मैं जनरली बता रहा हूं, ठीक है, उसी के पास रिव्यू के लिए जाते हैं, लेकिन अपील आप करते हैं हायर कोर्ट में। दिस इज अ जनरल डिफरेंस, ओके चलो। द ग्राउंड्स आर नोटेड अंडर थ्री डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ। ग्राउंड्स ऑफ, आपको ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज बता रहे हैं तो बोलते हैं ग्राउंड्स भी अलग अलग कैटेगरीज में है। अभी तक ग्राउंड्स चालू नहीं हुए, ग्राउंड्स यहां से चालू होंगे, ग्राउंड्स यहां से चालू होंगे, बट बता रहे हैं कि तीन कैटेगरीज में है ग्राउंड्स। तो हम पढ़ रहे हैं कि किस किस चीज पे, किन किन चीज पे चैलेंज किया जा सकता है। सुनना देखो, पहला क्या लिखा है, अंडर सेक्शन 13 चैलेंज ऑफ बायस अगेंस्ट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट ही आपने चैलेंज कर दिया, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट ही चैलेंज कर दिया है कि भैया जी ये तो बायस है, ठीक है। द पार्टीज कैन चैलेंज एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऑन द ग्राउंड दैट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज फेवरिंग और इज बायस्ड इन फेवर ऑफ वन ऑफ द पार्टी। मुझे बताओ ये हम इस चैप्टर का कौन सा हिस्सा पढ़ रहे हैं, आर्बिट्रल अवार्ड पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने रेफरेंस लेकर आया कि जब भी चैलेंज की बात करोगे तो आप कैसे कैसे चैलेंज कर सकते हो, तो आप कभी तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को ही चैलेंज कर सकते हो। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हमारा पिछला टॉपिक था, लेकिन यहां पे बता रहे कि चैलेंज किस किस ग्राउंड पर कर सकते हो। एक आर्बिट्रेशन हो गया है उसमें क्या क्या चैलेंज हो सकता है, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल चैलेंज हो सकता है अंडर सेक्शन 13 के बायस था। सच अ चैलेंज शुड बी फर्स्ट रेज बिफोर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ये वहां पे भी पढ़ा था कि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जाना है या आपको हाई कोर्ट में भी जाना है तो पहले आपको आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने रेज करना है, आपके आपके आर्बिट्रेटर के सामने कि हम आपकी अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं, और फिर आप जा सकते हो कोर्ट में।
such a challenge should be first raised before the arbitral tribunal under section 13. If the challenge is not accepted by the tribunal, then the award rendered by that arbitral tribunal shall be challenged. ये क्या कह रहे हैं कि आप सबसे पहले arbitral tribunal को ही challenge कर दो, लेकिन अगर उन्होंने आपके challenge को accept नहीं किया, honor नहीं किया और उन्होंने award pass कर दिया, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप उस अवार्ड को चैलेंज कर सकते हो। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन, इसका मैं आपको थोड़ा सा फर्स्ट क्लियर करता हूं। आज मान लीजिए आप और मैं अपन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, अपन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है एंड एक्स इज अपॉइंटेड एज आर्बिट्रेटर। बीच में मुझे प्रॉब्लम कि नहीं ये एक्स है ना, आप तो बायस्ड हो, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं। तो मैंने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को चैलेंज किया, फिर मैं कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर चैलेंज करने वाला था कि ये सही नहीं है, इसको आप चेंज करो। उसी बीच आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अवार्ड ही पास कर दिया, तो देन आई कैन डायरेक्टली चैलेंज द अवार्ड। ऑन व्हाट ग्राउंड आई कैन चैलेंज द अवार्ड? ऑन द ग्राउंड दैट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वाज बायस्ड। तभी तो मैं पढ़ रहा हूं, इवन द अवार्ड कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वाज बायस्ड। तो आप उस अवार्ड को भी चैलेंज कर सकते हो ऑन द ग्राउंड दैट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वाज बायस्ड। ओके, नेक्स्ट अंडर सेक्शन 16 भी आप चैलेंज कर, अंडर सेक्शन 13 आप चैलेंज कर सकते हो ये कहते हुए कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बायस्ड है। अंडर सेक्शन 16 आप चैलेंज कर सकते हो कहते हुए ओवरस्टेपिंग ऑफ ज्यूरिसडिक्शन बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपने ज्यूरिसडिक्शन को ओवरस्टेप कर रहा है। देखो क्या लिखा है, इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वन ऑफ द पार्टीज चैलेंज द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, यहां पे भी आप आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को चैलेंज कर रहे हो, स्टेटिंग दैट द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डज नॉट हैव रिक्वायर्ड ज्यूरिसडिक्शन, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विल डिसाइड ऑन दिस चैलेंज। तो आप सबसे पहले ग्राउंड पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कैसे चैलेंज कर रहे थे, दैट इज बाइस्ड। अब आप कह रहे हो दैट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डज नॉट हैव द ज्यूरिसडिक्शन, इस ग्राउंड पर आप चैलेंज कर रहे हो। इफ हाउएवर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डज नॉट अग्री विद द पार्टी, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अग्री नहीं करता है तो वो क्या कर देगा, देखो आगे, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विल रेंडर द अवार्ड, द अवार्ड कैन लेटर बी चैलेंज्ड बाय द पार्टीज फॉर रिव्यू। तो पार्टीज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के अवार्ड को चैलेंज कर सकते हैं एक और ग्राउंड पे। एक और ग्राउंड क्या मिला, दैट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिड नॉट हैव द ज्यूरिसडिक्शन। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि किन किन ग्राउंड्स पे अवार्ड चैलेंज किया जा सकता है। तो पहला ग्राउंड मिला अवार्ड चैलेंज करने का, दैट ये जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है ना ये बायस है। दूसरा ग्राउंड मिला कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है ना ये, इसके पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। इन दोनों केस में हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास में भी ये इशू रेज करते हैं और वो फिर भी अवार्ड दे देता है, तो बाद में अवार्ड को हम चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अंडर सेक्शन 34 देयर आर स्पेसिफिक ग्राउंड्स फॉर रिव्यूइंग एन अवार्ड, कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड दिए जिसपे अवार्ड रिव्यू हो सकता है, ये यहां पे शुरू होगा। देयर आर 7 ग्राउंड्स व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, दोस दैट हैव टू बी स्पेसिफिकली रेज्ड बाय अ पार्टी एंड दोस व्हिच द कोर्ट कैन लुक इनटू ऑन इट्स ओन मोशन। बेटा जी आपने पढ़ा होगा कॉग्निजेबल जैसा कंसेप्ट, तो कुछ ऐसे केसेस हैं जो कोर्ट खुद से ले सकता है और कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जो कि स्पेसिफिकली पार्टी को ही रेज करना पड़ता है, कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जो कि स्पेसिफिकली पार्टी को ही रेज करना पड़ता है और कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जो कि कोर्ट खुद से ले सकता है, इसकी कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऐसा। कि ये जो हम पहले बने टोटल 7 है उसमें डिवाइड किए हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 जो है ना ये किसी पार्टी को डिस्प्यूट रेज करना पड़ेगा। तो ये 5 ग्राउंड है जिसके बेस पे आप आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज कर सकते हो, बट द पार्टी विल हैव टू फाइल अ एप्लीकेशन। और उसके बाद में सेकंड सेट में 2 दिए हैं, इसमें किसी पार्टी को एप्लीकेशन फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, कोर्ट खुद से भी यहां पे आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज कर लेगा। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट इज नॉट केपेबल ऑफ सेटलमेंट, मान लो एक ऐसे इशू पे आर्बिट्रेशन कर दिया विच इज नॉन आर्बिट्रेबल, क्रिमिनल डिस्प्यूट पे आर्बिट्रेशन कर लिए, क्रिमिनल डिस्प्यूट पे आर्बिट्रेशन कर लिए, तो कर सकते हैं कि नहीं, इट इज नॉन आर्बिट्रेबल, तो किसी के कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट खुद ही उसको सेटिसाइड कर देगा। एंड नेक्स्ट द अवार्ड इज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, अरे भाई साहब बहुत ही अच्छा, आर्बिट्रेटर ने क्या कहा, आर्बिट्रेटर ने कहा कि ये जो बबू ने गलती की है इसके मुंह को ऐसे दर्द पहुंचो और गंगा नदी में इसको 10 मिनट तक अंदर रखना, 10 मिनट तक अंदर रखना, तभी उसके बाद में इसको वापस अपॉइंट करना। अरे भैया जी ये आर्बिट्रेटर ने बोल दिया, कर दोगे क्या, कर लोगे का, अरे यूपी में रहते हो का, कर लोगे का, अरे जी नहीं कर सकते, समझना मेरी बात को बहुत अच्छे से। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट इज नॉट केपेबल ऑफ सेटलमेंट बाय आर्बिट्रेशन, द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट आर्बिट्रेबल एट ऑल, या फिर सेकंड क्या आ गया, द अवार्ड इज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, द अवार्ड इज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है, ए यूपी वाले कोई गुस्सा मत करना, ठीक है ना। After week, I'm going to Lucknow. ऐसा नहीं कि हमें पकड़ लिए, क्या गंगा में मुंह दबाने वाला था, इधर आओ, चलो इधर आओ। Second set of grounds on which the court can look at its own motion, ये है कि ये 2 ग्राउंड, इसमें कोर्ट खुद से ही किसी को कंप्लेन फाइल करने की जरूरत नहीं, कोर्ट खुद से ही अवार्ड को चैलेंज करके सेटिसाइड भी कर सकता है, दैट द मैटर इज नॉन आर्बिट्रेबल एंड द अवार्ड पासेस अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और इलीगल, ऑब्वियसली बात है, ठीक है बेटा जी, तो आई गेस इट इज सुपर इजी। चलो
कॉन्सिक्वेंसेस पे बाद में चाहेंगे, पहले हम बात करें चैलेंज पे। 100% फोकस मुझे यहाँ पे चाहिए। चैलेंजिंग एन अवार्ड, कि अवार्ड को किन किन ग्राउंड्स पे चैलेंज कर सकते हैं। देखो बेटा जी इधर आ जाओ, चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, चैलेंज हो सकता है हियर अंडर सेक्शन 13, अंडर सेक्शन 16, अंडर सेक्शन 34, अंडर सेक्शन 13, अंडर सेक्शन 16 एंड अंडर सेक्शन 34। बहुत बढ़िया बात है। सो आर्बिट्रेशन अवार्ड कैन बी चैलेंज्ड अंडर सेक्शन 13, अंडर सेक्शन 16, अंडर सेक्शन 34। सो ऑन व्हाट ऑल ग्राउंड्स? अंडर सेक्शन 13 यू कैन चैलेंज एन आर्बिट्रेशन अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड, इफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज बायस्ड। अगर आपको लगता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बायस्ड है, अगर आपको लगता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बायस्ड है, यस यस श्योर अक्षिता, अभी तक हमने पढ़ा नहीं, हम पढ़ेंगे वापस, लोड मत लो, ठीक है ना? अभी हमारा पढ़ना बाकी है, अभी तो मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं। वी हैव टू रीड एवरीथिंग लाइन बाय लाइन, येट टू बी रीड, मतलब ये सब हमने, ऐसा मत सोचो कि ये सब पढ़ लिया है, ये सब हमें पढ़ना है, ठीक है? ये यहां से पूरा हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ये सब हम पढ़ने वाले हैं। सो वेट, चैलेंजिंग एन अवार्ड कि किन किन ग्राउंड्स पे अवार्ड चैलेंज हो सकता है। सबसे पहला, इफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज बायस्ड, अगर हमें लगता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ही बायस था, तो इस ग्राउंड पे भी अवार्ड को चैलेंज किया जा सकता है। बट इसमें क्या होता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर आपको बायस लगता है, तो पहले आप आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने इश्यू रेज करो कि मुझे लगता है बायस्ड हो, फिर भी उन्होंने अवार्ड पास कर दिया है, तो उस अवार्ड को आप चैलेंज कर सकते हो। सो हम पढ़ रहे हैं कि किन किन बातों पे आप अवार्ड को चैलेंज कर सकते हो। तो अवार्ड कैन बी चैलेंज अंडर सेक्शन 13 इफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज बायस्ड। इफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज बायस्ड, तो अंडर सेक्शन 13 आप अवार्ड को चैलेंज कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया। फिर आ गया अंडर सेक्शन 16। यहां पे हमें लगता है कि इफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज ओवरस्टेपिंग इट्स ज्यूरिस्डिक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपने ज्यूरिस्डिक्शन के बाहर जाके, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपने ज्यूरिस्डिक्शन के बाहर जाके काम कर रहा है, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपने ज्यूरिस्डिक्शन के बाहर जाके काम कर रहा है, तो यहां पे भी आप आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को बोलेंगे भैया जी आप ज्यूरिस्डिक्शन के बाहर काम कर रहे हैं, फिर भी वो अवार्ड पास कर देता है, तो आप अवार्ड को चैलेंज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 16। सो हमने क्या पढ़ा, अवार्ड कैन बी चैलेंज अंडर सेक्शन 13 और अवार्ड कैन बी चैलेंज अंडर सेक्शन 16। अवार्ड कैन बी चैलेंज अंडर सेक्शन 13 और अवार्ड कैन बी चैलेंज अंडर सेक्शन 16। 13 और 16 के अंदर अवार्ड चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है? एंड लास्ट आता है अवार्ड कैन बी चैलेंज अंडर सेक्शन 34। अंडर सेक्शन 34 क्या बताया, स्पेसिफिक ग्राउंड्स, ये है स्पेसिफिक ग्राउंड्स फॉर चैलेंज, स्पेसिफिक ग्राउंड्स फॉर चैलेंज। बट इन्होंने भी दो में डिवाइड किया, 34 के अंदर दो ग्राउंड्स हैं। एक का तो क्या है, दैट पार्टी हैज टू मेक एन एप्लीकेशन, पार्टी हैज टू चैलेंज्ड बाय एन एप्लीकेशन, कि पार्टी को एक एप्लीकेशन देके चैलेंज करना पड़ेगा इन सब ग्राउंड पे, 1, 2, 3, 4, 5, इन पांच ग्राउंड पे आर्बिट्रल अवार्ड कैन बी चैलेंज्ड, इन पांच ग्राउंड पे आर्बिट्रल अवार्ड कैन बी चैलेंज, बट पार्टी को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। और यहां पे दो ग्राउंड इसमें जिसमें कोर्ट कैन, रादर यू कैन से कोर्ट कैन सुओ मोटो, कोर्ट कैन सुओ मोटो सेट असाइड, या फिर यू कैन से चैलेंज द आर्बिट्रल अवार्ड, कोर्ट खुद ही चैलेंज कर लेगा आर्बिट्रल अवार्ड को। इन दोनों में किसी भी व्यक्ति को एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया दो ग्राउंड, 1 और 2। इन दो ग्राउंड में नो पार्टी इज रिक्वायर्ड टू, किसी भी पार्टी का रिक्वायरमेंट नहीं कि उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि देखो सामने वाली पार्टी ने ऐसा किया, इस आर्बिट्रल अवार्ड को साइड में रखो। नो पार्टी इज रिक्वायर्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन इन दोस टू ग्राउंड्स। वहां पे कोर्ट खुद से कॉग्निसेंस लेगा, कोर्ट कैन इटसेल्फ सेट असाइड द अवार्ड। क्या केस है, पहला व्हेन द सब्जेक्ट मैटर of the arbitration is non-arbitrable,
नॉन आर्बिट्रेबल. इफ द सब्जेक्ट मैटर इज नॉन आर्बिट्रेबल, मतलब जो कुछ चीजें हमने पढ़ी थी कि अग्रीमेंट के अंदर हमने पढ़ा था कि आर्बिट्रल अग्रीमेंट में कि जो आर्बिट्रेशन आप सिर्फ उन चीजों के लिए कर सकते हो विच आर आर्बिट्रेबल. हमने पढ़ा टेस्टमेंट्री मैटर्स बोलो, मैरिटल अफेयर्स बोल दो, उसके बाद में हमारा क्रिमिनल ऑफेंसेस हो गया, इसको लेकर आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता है. तो जो सब्जेक्ट मैटर आर्बिट्रेशन में अलाउड नहीं है विच आर नॉन आर्बिट्रेबल, आपने उसको लेकर आर्बिट्रेशन कर भी दिया तो वो कोर्ट सेटिसाइड कर देगा ये आर्बिट्रेशन वैलिड नहीं है. ठीक है, तो इसके अंदर किसी पार्टी को, सामने वाली पार्टी को आपको कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है. आप जैसे कोर्ट के पास एनफोर्समेंट के अंदर बब ये नॉन आर्बिट्रेबल था. एंड नेक्स्ट, इफ द आर्बिट्रेशन अवार्ड इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, इफ द आर्बिट्रेशन अवार्ड इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, अगर आपका पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, लॉ के अगेंस्ट है, तो वहां पर भी कोर्ट सुओ मोटो ही इस आर्बिट्रेशन अवार्ड को सेटिसाइड कर देगा. यहां तक आप मेरे साथ में होंगे, राइट? जैन साहब आई गेस सब कुछ समझ में आ रहा है आपको. यहां पे अब ये पांच पॉइंट्स बन रहे हैं हमको कि अगर ये पांच ग्राउंड्स भी हैं, इन पांच ग्राउंड्स पे भी आर्बिट्रेशन के अगेंस्ट आप चैलेंज कर, इन पांच ग्राउंड्स पे भी आप आर्बिट्रेशन अवार्ड को चैलेंज कर सकते हैं. क्लियर है? चलो लेट्स हिट एंड रीड दोस फाइव ग्राउंड्स. चलो क्या पांच ग्राउंड है? पहला ग्राउंड, इफ पार्टी, यस वंडरफुल वंडरफुल जैन साहब, इफ पार्टी इज अंडर सम इनकैपेसिटी, सच एन इनकैपेसिटी कैन बी बोथ कॉन्ट्रैक्चुअल एंड पर्सनल इनकैपेसिटी, एग्जांपल दैट वन पार्टी वाज अ माइनर. अरे हम पहले ही पढ़ लिया है, ओ भाई साहब दिस इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट, हम पढ़ रहे थे आर्बिट्रल अवार्ड में, क्या दैट आर्बिट्रल अवार्ड में आर्बिट्रेटर हैज टू बी अ पर्सन हू इज एबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो बेटा जी यहां पे तीनों के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है, तो सब लोग जो हैं दे शुड बी एबल टू व्हाट, एबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, सबको कॉन्ट्रैक्चुअल पावर्स होनी चाहिए. तो अगर पार्टीज अंडर सम इनकैपेसिटी, अगर कोई एक पार्टी इनकैपेसिटी में थी, इनकैपेसिटेटेड थी फॉर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो पूरा का पूरा आपका आर्बिट्रल अवार्ड इनवैलिड हो गया ना. सो आर्बिट्रल अवार्ड कैन बी चैलेंज्ड ऑन अ ग्राउंड दैट दिस पार्टी वॉज नॉट हैविंग कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. सो पार्टीज अंडर इनकैपेसिटी, बिल्कुल, तो आर्बिट्रल अवार्ड ही नहीं हो सकता. सर मान लीजिए कोई ऐसी एंट्री जिसमें डिस्प्यूट में एक तरफ पार्टी एक माइनर है, तो क्या होगा? तो उसकी जगह पे गार्जियन रहता है जो कि सारे कॉन्ट्रैक्ट में साइन करता है, दैट्स हाउ इट फंक्शंस. लेकिन अगर एक व्यक्ति जो माइनर है उसी ने केसेस पे मतलब एप्लीकेशन में साइन कर दिया है, उसने अग्रीमेंट कर लिया है, इनवैलिड है, बिकॉज इस व्यक्ति के पास अग्रीमेंट का राइट ही क्या है. मैं आपको क्या कह रहा हूं, हम सब लोगों को बहुत अंधेरे में रखा गया है. ये जो माइनर के लॉज है ना अपनी कंट्री में, बहुत गंदे हैं माइनर के लॉज. आज भी इंडिया में ऐसा है कि अगर 18 से कम की एज में आपने कुछ कर लिया तो आपके साथ ज्यादा कुछ जुवेनाइल के साथ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते. मतलब एक केस है, कभी फुर्सत में हो तो पढ़ना, आई डोंट थिंक आपके सिलेबस होगा, मोहर बीबी का केस होगा, गूगल करके तो भी मिल जाएगा. उस केस में क्या है, आप समझो आज आप एक माइनर हो, आज आप अरे पहले पता होता तो क्या भाई भूचाल मचा देते, पहले पता होता. बट ये बहुत मतलब एजुकेशन सिस्टम भी बहुत स्मार्ट है, उसने स्कूल में ये सब नहीं रखा. मेरे हिसाब से 10वीं में ये सब पढ़ाना चाहिए कि भाई साहब माइनर में आप कुछ भी करोगे, फोड़ो कुछ नहीं होता है. समझना क्या कह रहा हूं मैं, माइनर को पता है क्या होता है यारो, कि आज आप माइनर हो, आपने किसी से लोन लिया, किसी ने 2 लाख रुपए दे दूंगा ना, आप 2 लाख रुपए दिए, आपने मजे किए, घूम फिर के आ गए, वो बोला कौन से, वो बोलेगा 2 लाख दे, मैंने कहा नहीं दे रहा, 2 लाख दे, अरे नहीं दे रहा, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हो हाँ छोड़ो और बेटर. आप अगली बार गए, ये सुना 2 लाख रुपए और देना, बोले देखो 2 लाख रुपए पिछली बार दिए तू देता नहीं वापस. मैंने कहा सुन एक काम करता हूँ, 2 लाख रुपए दे, इस बार मैं सिक्योरिटी के तौर पे मेरे प्रॉपर्टी के पेपर लाया हूँ, तो इस सिक्योरिटी के तौर पे प्रॉपर्टी के पेपर देखो देता हूँ, ठीक है? वो बोला ठीक है, ये लो 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दे. मैं वापस 2 लाख रुपए उड़ा के आ गया, वापस गया, ये प्रॉपर्टी के पेपर दे. वो क्या बोला, एक तू तो लोन लेके गया था, प्रॉपर्टी के पेपर देके गया ना, मैं पुलिस को लेके गया कि पुलिस मैं तो माइनर हूं, तो मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो तो इनवैलिड है, तो मेरे प्रॉपर्टी पेपर लेके वापस दो मेरे को. पुलिस प्रॉपर्टी के पेपर लेके वापस आपको देगी, व्हाई दैट पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, उसने 2 लाख दिए वो उसकी गलती है, वो प्रॉपर्टी पेपर नहीं रखता. हो हाँ, मोहर बीबी करके केस मिलेगा आपको, उसमें ये सब लिखा हुआ है. माइनर जो है ना, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट हो सकता है, मजे ले सकता है, और जो भी उसने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया वो सब इनवैलिड होते हैं. तो यहां पर भी सेम ही प्रिंसिपल आता है, यहां पर फोकस करना अच्छे से. क्या बात है ओके, आपके सीपीडी में था क्या केस? बहुत सीए फाउंडेशन सीपीडी में केस था, तो बहुत अच्छी बात है. अरे बहुत लेट सीखा है सब, मतलब सीपीडी था मतलब बस ये आप 18 क्रॉस हुए और आपको बता दिया, मतलब तब क्या फायदा भैया, एक साल पहले बताते तब आता कुछ मजा, अब्रॉड घूम के आ जाते आधे बच्चे, तो क्यों पैसे लिए घूम के आ गए, पैसे देने तो है नहीं ना वापस. इधर आओ कदम. चलो सो द फर्स्ट सेट ऑफ ग्राउंड इंक्लूड पार्टीज अंडर सम इनकैपेसिटी, के पार्टीज अंडर सम इनकैपेसिटी, तो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकती. सेकेंड, invalid arbitration agreement. If the arbitration agreement is invalid, then there can be no arbitration. आपका arbitration agreement invalid था,
दिस इज बिकॉज आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट फॉर्म्स द बेसिस फॉर एनी आर्बिट्रेशन एज इट कंटेन्स द कंसेंट ऑफ द पार्टीज दैट इन द इवेंट देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन देम द पार्टीज वुड नॉट गो टू द कोर्ट इंस्टेड वुड सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन. तो अगर आपका आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट ही इनवैलिड है, कैसे हो सकता है इनवैलिड? हमने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के अंदर बहुत सारे रिक्वायरमेंट पड़े, कंसेंसस एड इटम बोलो, क्लैरिटी होनी चाहिए, आपने उनको सबमिट करना चाहिए, तो ये सब अगर उनमें से कोई भी चीज नहीं है तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इनवैलिड हो गया. आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट ही इनवैलिड है तो आपका आर्बिट्रल अवार्ड भी इनवैलिड हो गया. तो पहला हो गया पार्टी इज इनकैपेसिटेटिव एंड सेकंड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज इनवैलिड, खत्म. इस ग्राउंड पे आप चैलेंज कर सकते हो. थर्ड ग्राउंड जिस पे आप चैलेंज कर सकते हो दैट इज पार्टी इज नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग. के पार्टी को प्रॉपर नोटिस नहीं मिला था अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रल प्रोसीडिंग. के पूरा आर्बिट्रेशन कर दिए, हमको तो नोटिस ही नहीं दिए थे, हमको नोटिस दिए बिना आर्बिट्रेशन कर दिए. सो नोटिस इज क्रूशियल बिकॉज इट इन्फॉर्म्स द पार्टीज एज टू नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ ईच पार्टी. नोटिस देना होता है, अगर आपने किसी को नोटिस ही नहीं दिया और आपने आर्बिट्रेशन चालू कर दिया, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल भी फॉर्म कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो इनवैलिड. आपको उससे कंसेंट लेकर ही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपॉइंट करना होता है. देखो एग्जाम्पल, इफ द पार्टी इज रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द एलिगेशंस अगेंस्ट इट देन इट शुड नो दैट बाय द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट इट्स रिस्पॉन्स. फेलियर टू प्रोवाइड एडिक्वेट नोटिस विल हैव एन एडवर्स इंपैक्ट ऑन अ पार्टीज एबिलिटी टू प्रेजेंट इट्स केस. क्या आपने दो चीजें, पार्टीज नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, क्या आप आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के हमें प्रॉपर नोटिस नहीं दिए और अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर की भी प्रॉपर नोटिस नहीं दिए? अरे नोटिस ही नहीं दे रहे हो आप, आपने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर दिया, प्रॉपर नोटिस नहीं दे रहे हो आपने. उसके बाद आर्बिट्रल प्रोसीडिंग है कि हमें कब केस प्रेजेंट करना है, हमें कब रिटर्न पेपर्स देने हैं, आपको नोटिस ही नहीं दे रहे हो, ये भी नहीं. तो अगर आपको प्रॉपर नोटिस नहीं मिला है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के दौरान या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फॉर्म होते के दौरान, तो इस ग्राउंड पर भी आप चैलेंज कर सकते हो आर्बिट्रल अवार्ड को. नेक्स्ट, the award deals with dispute not submitted to arbitration. So now, the award deals with disputes not submitted to arbitration. हमने चार disputes को arbitration को submit किया था, ठीक है? Arbitration ने, arbitrator ने उन चार पे तो answer किया और साथ में दो और चीजों पे answer कर दिया कि ये चार तो ठीक है, ये दोनों भी ऐसे 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 करो, ये issues में भी आप ऐसे ऐसे करो. तो हम बोलेंगे arbitral tribunal रुको, your award is not valid. Why? You have answered about certain issues which were not submitted to you for arbitration. I hope you understand. कुछ issues आपने arbitration के लिए submit ही नहीं किए थे, उन्होंने उसपे भी answer किया जबरदस्ती. क्यों किया? उन्होंने कुछ भी किया, एक issue देख रहे थे और ये भी तो है, इस पर भी answer कर देते हैं. नहीं, that issue is not been submitted to you. तो अगर arbitration में कोई issue submit ही नहीं किया है, वो उस पर भी arbitral award दे रहे हैं, तो हम arbitral award को challenge कर सकते हैं कि this part of the arbitral award should be cut aside because ये तो हमने submit ही नहीं किया था. It is possible that the parties do not submit all questions that are in dispute between them to arbitration. हो सकता है हमने सारे question of dispute नहीं दिए, ऐसा हो सकता है ना कि हमारे बीच में चार पांच dispute चल रहे हैं, उनमें से दो dispute हमने arbitration के लिए दिए. बिल्कुल हो सकता है. तो जो dispute हमने arbitration के लिए नहीं दिए, उस पर arbitral award नहीं आना चाहिए. The arbitral award derives its authority from the agreement between the parties. So if the parties have not agreed, an arbitral tribunal does not have any authority to adjudicate a particular dispute between the parties. So the award deals with dispute not submitted to arbitration. कि हमने भाई arbitration के लिए जो चीज submit नहीं की, उस पे आप कैसे अपना award दे सकते हैं? Next is and the last is arbitral tribunal or procedure was not in accordance with necessary requirement under law. कि arbitral tribunal या उसका procedure ये proper law के हिसाब से नहीं चले हैं. The law prescribes certain minimum basic requirement that all the dispute resolution procedure must adhere to. One of the simplest example would be to treat both parties equally. An award that does not adhere to such minimum requirement would be set aside. तो arbitral tribunal या procedure अगर law के according नहीं है, तो भी आप challenge कर सकते हो. एकदम आसान भाषा में समझो, ये क्या है? उसके बाद में आ गया सेकंड सेट ऑफ ग्राउंड्स वेयर द कोर्ट कैन लुक इनटू लुक एट इट इट्स ओन मोशन द सुओ मोटो. कोर्ट खुद से सुओ मोटो ले सकता है. उसके दो हो गए, दैट द आर्बिट्रेशन का जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज नॉन आर्बिट्रेबल, उस पर आपने आर्बिट्रेशन कर लिया, एंड सेकंड जो आपने अवार्ड पास किया दैट इज इलीगल, दैट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. इन केस में कोर्ट खुद से एक्शन ले सकता है. तो ये सेवन ग्राउंड्स पे यू कैन चैलेंज. देखो हम पढ़ रहे हैं कि आर्बिट्रल अवार्ड को किन किन चीजों पे चैलेंज कर, सबसे पहले बता सेक्शन 13 में चैलेंज कर सकते हो दैट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वॉज बायस्ड. सेक्शन 16 में चैलेंज कर सकते हो दैट जो आपका आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है ना, इसने जो अवार्ड पास किया है, सेक्शन 16 में आप किस ग्राउंड पे चैलेंज कर रहे हो? यस, उसने ओवरस्टेप कर दिया उसका ज्यूरिसडिक्शन. सेक्शन 16 में आप चैलेंज कर सकते हो दैट दे हैव ओवरस्टेप देयर ज्यूरिसडिक्शन, कि ज्यूरिसडिक्शन के बाहर काम किया. उसके बाद मैं सेक्शन 34 में बहुत सारे ग्राउंड्स है, क्या सेवन ग्राउंड्स है. पांच ग्राउंड्स ऐसे हैं जहां पे द एंटिटी has to take some action. The entity has to take, the parties have to file an action. The parties have to challenge. And two aise ground hai jahan pe court can itself challenge and set aside. Do ground kaun se wo? That they had the subject matter of the arbitration was non-arbitrable. And wahan pe last aa gaya that ke jo aapne arbitral award aaya that is against public policy.
उसके अलावा पांच ऐसे पॉइंट्स दिख रहे हैं यहां पे, पांच ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें सम पार्टी विल हैव टू मेक एन एप्लीकेशन, पार्टी विल हैव टू मेक एन एप्लीकेशन। ये पांच ग्राउंड में क्या लिखा है? पहला, पार्टी इज इनकैपेसिटेटेड, उसके पास में कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है, इनकैपेसिटी है, तो वो एंटर नहीं कर सकती अग्रीमेंट। इनवैलिड आर्बिट्रल अग्रीमेंट, आर्बिट्रल अग्रीमेंट इनवैलिड है, नोटिस नहीं दिया आर्बिट्रल आर्बिट्रेटरी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स का, फिर डिस्प्यूट ही नहीं सबमिट की थी हमने, उस पर आप दे रहे हो द डिस्प्यूट्स नॉट सबमिटेड है, वैसे अवार्ड है, एंड जो प्रोसीजर फॉलो किया दैट इज नॉट कंप्लाइंग विद लॉ। चलिए यार देखो, पार्टीज हैव टू चैलेंज बाय एन एप्लीकेशन। क्या चैलेंज करना है? सबसे पहला, इफ द पार्टी इज इनकैपेसिटी, ओफो बहुत ही मोटा है, इनकैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कि अगर जो पार्टीज है वही इनकैपेसिटी है, इनकैपेसिटी उनमें वो एंट्री नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इनवैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, क्या आपका आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट ही इनवैलिड है? आपका आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट अगर इनवैलिड है, अगर आपका आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इनवैलिड है तो उसके ऊपर कैसे आ रहे हो भाई साहब? आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट आपका इनवैलिड है तो उसके बेस पे आपका आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता है, तो आपका आर्बिट्रल अवार्ड भी आ गया है, तो इस अवार्ड को हम चैलेंज कर सकते हैं। देयर आफ्टर, नो नोटिस, नो प्रॉपर नोटिस फॉर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और फॉर आर्बिट्रेशन प्रोसीजर। क्या आर्बिट्रेशन प्रोसीजर या ट्रिब्यूनल आपने जब फॉर्म किया उसका प्रॉपर नोटिस ही नहीं दिया आपने, उसका आपने प्रॉपर नोटिस ही नहीं दिया है। उसके बाद में एक आ जाएगा कि आपका जो पूरा आर्बिट्रल अवार्ड है ना, ये पूरा लॉ से कंप्लायंट ही नहीं है। आर्बिट्रल अवार्ड के अंदर जो आपने आर्बिट्रल प्रोसीजर फॉलो किया है ये नॉट कंप्लायंट विथ लॉ है, कि लॉ से कंप्लायंट नहीं है, आपने लॉ के प्रोसीजर को ही फॉलो नहीं किया है। एंड द लास्ट वन वुड बी, सेकेंड लास्ट वन वुड बी, हाँ, अवार्ड रिलेट्स टू द डिस्प्यूट्स नॉट सबमिटेड, अवार्ड रिलेट्स टू डिस्प्यूट्स विच वर नॉट सबमिटेड, कि जो डिस्प्यूट्स हमने सबमिट नहीं किए थे उनको लेकर अवार्ड पास कर दिया आपने। हियर वी आर। मैं आपको वापस बताता हूँ ना, तो ये चैप्टर में कोई डिफिकल्ट नहीं है, समय क्यों लग रहा है, हम हर एक चीज़ को डिटेल में देखना चाह रहे हैं। तो अगर मैं अब सोचूँ ना, तो हमने जो पूरा आज पढ़ा वो अगर आपको रिवाइज करना है कभी, तो आपके पास इतना सा कंटेंट है। ऑफकोर्स ये तो आप यहाँ से रीड नहीं कर पा रहे, बट इतना सा कंटेंट है भाई। जनरल प्रिंसिपल क्या है, टाइप्स ऑफ अवार्ड चार्ट है, रिक्वायरमेंट क्या है, नेसेसिटी वाले आपके ये आपके छह रिक्वायरमेंट है, और अदर्स डिलीवरी वाला एक, उसके अंदर चैलेंजिंग एंड अवार्ड तीन ग्राउंड पर हो सकता है, अंडर सेक्शन 30, अंडर सेक्शन 16, अंडर सेक्शन 34 में फर्दर दो कैटेगरीज हैं। पांच पॉइंट्स जो दिए वो इधर दिए हैं जहां पे पार्टीज हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन, एंड दो ग्राउंड्स ऐसे हैं जहां पे कोर्ट कैन टेक द कॉग्निजेंस ऑन इट्स ओन। इन सब ग्राउंड पे यू कैन चैलेंज एन आर्बिट्रल अवार्ड, इन सब ग्राउंड्स पे यू कैन चैलेंज एन आर्बिट्रल अवार्ड, इन सब ग्राउंड्स पे यू कैन चैलेंज एन आर्बिट्रल अवार्ड। ब्यूटिफुल। चलिए, इन सब ग्राउंड्स पे आप आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज कर सकते हैं, और उसके बाद में बस अब अंत की ओर चलते हैं यारों, कि आपने एक बार आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज कर दिया है, आपने आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज कर दिया है, अब वो कोर्ट क्या करेगा? सर चैलेंज किसके पास करते हैं आर्बिट्रल अवार्ड को? वो शुरुआत में पढ़ा था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास किया जाता है, बट अगर हम लॉ में क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं, सो चैलेंज इज मेड टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, एंड चैलेंज इज मेड टू हाई कोर्ट फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो जनरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, हाई कोर्ट फॉर आपका फर्दर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। बट आप थ्योरी पढ़ते हैं एकदम क्लियर, कोई परेशानी नहीं है। अवार्ड हैज टू बी चैलेंज टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एंड टू हाई कोर्ट फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। ठीक है, अब जिस कोर्ट के पास गया है, जिस कोर्ट के पास में गया है, वो कोर्ट क्या क्या कर सकती है? अब आप लॉजिकली सोचो, कोर्ट के पास आया, कोर्ट को लगता है यार ये भैया सही बात बोल रहे हैं, आप एकदम सही बात बोल रहे हो, दिस आर्बिट्रल अवार्ड हैज टू बी सेट असाइड, सो द कोर्ट कैन सेट असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड। कोर्ट को लगता है कि नहीं नहीं ये आर्बिट्रल अवार्ड एकदम सही है, आप कुछ भी बोल रहे हो, कोर्ट कैन कंफर्म द आर्बिट्रल अवार्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इफ द कोर्ट, इफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फील्स के नहीं आर्बिट्रेशन अवार्ड एकदम सही है, इट हैज टू बी कंफर्म, उसको लगता है नहीं यार आप सही कह रहे हो, चैलेंज करने वाली पार्टी ये एकदम गलत था, यू कैन सेट असाइड, सेट इट असाइड। आपको लगता है नहीं, थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं बस, आर्बिट्रल अवार्ड ठीक है बट थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यू कैन मॉडिफाई द आर्बिट्रल अवार्ड। अरे डू आई हैव टू टेल दिस टू यू? दिस इज वेरी ऑब्वियस, हमने सैट में भी तो ये पढ़ा था, सैट क्या कर सकता है सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट, सैट कैन सेट असाइड, मॉडिफाई और कंफर्म द अवार्ड। अरे एनी अपीलेट अथॉरिटी कैन डू व्हाट? इट कैन सेट असाइड, मॉडिफाई, इट कैन सेट असाइड, मॉडिफाई और कंफर्म द अवार्ड। That is what you can do with an appellate award. Now, appellate authority क्या करेगी? किसी award का appeal आया तो उसका तो modify करेगी कि हाँ थोड़ा change कर लेते हैं, confirm करेगी जो है सही है, या पूरा set aside करेगी, यही तीन चीजें कर सकती है।
एंड डी रेमिट बैक टू आर्बिट्रल अवार्ड. कुछ केसेस में क्या कर सकते हैं, रेमिट बैक टू आर्बिट्रल अवार्ड, कि वापस आर्बिट्रल अवार्ड के पास, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ये आपने अच्छे से सही नहीं किया है, इसको वापस पास करो. तो दिस इज अनदर वे, अनदर थिंग विच दी कोर्ट कैन डू. तो वेरी इजी कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ चैलेंज, कि जब आप चैलेंज करेंगे उसका आउटकम क्या आ सकता है. आउटकम में तीन आउटकम्स हैं, सेट असाइड द ऑर्डर, मॉडिफाई द ऑर्डर, कंफर्म द ऑर्डर, एंड द कोर्ट कैन ऑल्सो रेमिट बैक द केस टू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. देखो क्या लिखा है, सेट असाइड द कोर्ट रिव्यूइंग द ऑर्डर कुड सेट असाइड एन अवार्ड ऑन ग्राउंड्स नोटेड अबव. वंस एन अवार्ड हैज बीन सेट असाइड दैट अवार्ड हैज नो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, इट इज नो लॉन्गर एन अवार्ड एंड हैज नो लीगल सैनिटी, इट इज अ मियर डॉक्यूमेंट एंड हैज नो लीगल वैल्यू. आपने सेट असाइड कर दिया तो वो अवार्ड ही नहीं रहा, खत्म. अब नया अवार्ड जो आएगा आएगा, दिस अवार्ड हैज नो लीगल वैल्यू नाउ वंस इट हैज बीन सेट असाइड. नेक्स्ट टू कंफर्म, द रिव्यूइंग कोर्ट ऑल्सो कन्फर्म्स द कंप्लीट अवार्ड. कन्फर्म भी कर सकता है रिव्यूइंग कोर्ट. The confirming an award means that the court is of the opinion that there is nothing legally wrong with the award. It fulfills all the requirement noted in law. Confirm करने का मतलब क्या होगा? हम agree करते हैं कि जो award pass हुआ है वो सही हुआ है. इसमें कोई भी legal flaw नहीं है. Modify थोड़ा बहुत change करते हैं. The court is a part to modify the award so that it may not be set aside. कि पूरा set aside नहीं करते, बस थोड़ा सा modify कर देते हैं. And last is remitted back to arbitral tribunal. The court may instead of setting aside the award, send the matter back to arbitral tribunal to rectify some defect, which if not corrected would lead to setting aside of the order. तो order को कभी कभी set aside नहीं करते, हम कह देते हैं कि इसको we remit back the award to arbitral tribunal, किसी ने वापस file करो, otherwise हमें set aside करना पड़ेगा. So these are the consequences. ठीक है, एक और बात यारों, मैंने आपको बताया ना कि हम एक aspect को touch नहीं करते हैं, that is review and appeal, इसको नहीं. हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है चैलेंज. ठीक है, और हमारे मॉड्यूल ने भी ऐसा ही किया है. बट समझना, फिर मैंने आपको जनरल बात बताई कि रिव्यू जनरली सेम कोर्ट के पास होता है, बट ये जरूरी नहीं है. जरूरी नहीं है, आपको कभी कभी ऐसा मिल सकता है कि रिव्यू भी हायर कोर्ट में हो रहा है. एंड अपील जो है, अपील को लेकर ऐसा आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपील कैन बी ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एज वेल एज क्वेश्चन ऑफ लॉ, बट ये भी आपको नहीं दिखेगा. कभी कभी आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अपील इज हैपनिंग, अपील के अंदर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रेज करना अलाउ ही नहीं कर रहे. इट कैन ओनली रेज क्वेश्चन ऑफ लॉ. Generally, when you are filing an appeal to High Court and Supreme Court, mind my words, when you are filing an appeal to High Court and Supreme Court, they do not allow you to add any fact. You can only argue it on the question of law. But I believe ये सब चीज़ आप बच्चों के लिए बिल्कुल भी relevant नहीं है. ये आप बच्चों के लिए बिल्कुल भी relevant नहीं है. चल, yes. तो यहाँ पर हम लोग आ गए कि एक बार arbitral award को अगर challenge कर लिया है तो उसके consequences क्या क्या हो सकते हैं. सुना मेरी बात को, तो मैं इसको नेक्स्ट टॉपिक नहीं बता रहा हूं, मैं उसको इसी में चैलेंजिंग द आर्बिट्रल अवार्ड में बता रहा हूं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. इनमें से किसी भी, भले सेक्शन 13 में चैलेंज किया, सेक्शन 16 में चैलेंज किया, सेक्शन 34 में, इतने सारे 5 ग्राउंड्स या 2 ग्राउंड्स में चैलेंज किया, व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेस. कॉन्सिक्वेंसेस 1, 2, 3, 4. कोर्ट कैन ऑर्डर टू सेट असाइड, कोर्ट कैन ऑर्डर टू कंफर्म, टू मॉडिफाई. क्यों ऑर्डर कंफर्म कर दिया, जो ऑर्डर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने फाइल किया है वही होगा, कुछ गलत नहीं है उसमें. सेट असाइड कर दिया कि पूरा जो ऑर्डर पास किया उसको हम सेट असाइड करते हैं, या फिर मॉडिफाई कर दिया कि ऑर्डर ठीक है बस ये चेंज कर लो, या फिर दे कैन ऑल्सो रेमिट बैक द केस टू आर्बिट्रल अवार्ड, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, कि हे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इसमें डिफेक्ट है उसको करेक्ट करो, अदरवाइज वी विल हैव नो ऑप्शन अदर देन टू सेट असाइड द ऑर्डर. तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. और इसी के साथ में बेटा जी आपका ये पार्ट खत्म होता है. आखिरी चीज पढ़ के अबाउट एनफोर्समेंट. एनफोर्समेंट कुछ पढ़ाना नहीं, मैंने आपको कोई प्रोविजन नहीं है. इतना सा लिखा है कि एक बार अवार्ड पास हो गया, अवार्ड चैलेंज नहीं हो रहा है, आर्बिट्रल अवार्ड पास हो गया है, उसमें सारे जनरल प्रिंसिपल्स हैं, सारे रिक्वायरमेंट है, सर आपने जो पढ़ाया था ना रिक्वायरमेंट, सारे रिक्वायरमेंट कंप्लाई करता है, उसको चैलेंज भी नहीं कर रहे हैं, किसी ग्राउंड पे चैलेंज नहीं कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, आर्बिट्रेटर ने अवार्ड पास किया है, अब उसको एनफोर्स करना होगा ना. सो एनफोर्स किया जाता है बाय सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सिविल प्रोसीजर कोड, इसके तहत उसे एनफोर्स किया जाता है. तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो एनफोर्समेंट आपके सिलेबस में है ही नहीं. इतना सा लिखा है कि जब भी अवार्ड आ चुका है उसको चैलेंज नहीं किया गया, चैलेंज करने का टाइमलाइन क्या है मुझे बताओ, 3 मंथ्स प्लस 30 डेज, यही चैलेंज करने का टाइमलाइन है. अगर इन 3 मंथ्स 30 डेज के अंदर चैलेंज नहीं किया है देन इट कैन नॉट बी फर्दर चैलेंज्ड, फिर इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता. ठीक है, और अगर उसको आप चैलेंज नहीं कर रहे हैं तो उसको एनफोर्समेंट होगा. एनफोर्समेंट कैसे होगा भैया, एनफोर्समेंट होगा सीपीसी के तहत. खत्म. When the time for making an application to set aside an award has expired, or when such application was made but it was rejected, कहने का मतलब या तो time period expire हो गया, या फिर हमने challenge किया था but court ने reject कर दिया, court ने confirm कर दिया order of tribunal, तो बस बात खत्म हो गई. अब क्या होगा, उसका enforcement होगा.
then the award will be enforced. Enforcement and arbiter award shall happen under CPC 1908 in the same manner as if it was a decree of a court. As if it were a decree of the court. तो इसी तरह से उसको award को आप enforce करेंगे जैसे कि court की decree है, court का order है. तो एक arbitral tribunal का भी enforcement exactly same तरह से होगा जैसे court के order का enforcement होता है, court के decree का enforcement होता है. और यहां तक यारो हम पहुंच चुके हैं. तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं, सबसे पहले चैप्टर में देखते हैं, तो बेटा जी हमारा आर्बिट्रेशन हो गया. शुरुआत का इंट्रोडक्शन रीड करेंगे, हमारा आर्बिट्रेशन हो गया. मैंने आपको बताया कि आर्बिट्रेशन को हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन, आर्बिट्रल अवार्ड, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एंड आर्बिट्रल अग्रीमेंट. ये तीन पार्ट थे, सबसे बड़ा इस चैप्टर का पार्ट ये तीनों है. ये हम पढ़ चुके हैं. अब क्या है, थोड़ा इंट्रोडक्शन एंड एंड में कंसीलिएशन. कंसीलिएशन इज अनदर थिंग आर्बिट्रेशन के अलावा, कि डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए कोर्ट के बाहर, अपार्ट फ्रॉम कोर्ट. इसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. के ऑल्टरनेटिवली अपार्ट फ्रॉम कोर्ट देर आर वेरियस मीन्स टू सॉल्व द डिस्प्यूट. द मोस्ट पॉपुलर वन इज आर्बिट्रेशन, देन देर इज कंसीलिएशन ऑल्सो. तो कंसीलिएशन को लेकर ज्यादा कुछ नहीं आपके सिलेबस में, बहुत ब्रीफली दिया हुआ है कंसीलिएशन. तो जो थोड़ा सा दिया है कंसीलिएशन, ये हम पढ़ेंगे एंड इट विल बी ऑल ओके. तो कंसीलिएशन में ज्यादा कुछ नहीं है. ओके, सो मोस्टली टुमारो विल बी रैपिंग अप द एंटायर चैप्टर. आज एक एक्स्ट्रा सेशन आपका इसलिए ले रहा था, बस एक लाइटर नोट पे, सो दैट कल बहुत हैवी ना हो. कल हम कंफर्टेबली चैप्टर को रैपअप कर देंगे. यारो मेरी आपसे क्या अपेक्षा है, आपको अभी तक ये चैप्टर लग रहा था ना परेशानी वाला चैप्टर, मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर आपको, यू विल लव दिस चैप्टर. मतलब व्हेन यू विल सी द सी फाइनल का सिलेबस ना, इतने सारे चैप्टर्स, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये सबसे अच्छा है, इसको खत्म कर लेते हैं. बिकॉज सेल्फ स्टडी के दौरान ये चैप्टर आप 20 मिनट्स 15 मिनट्स में रैपअप कर पाओगे. इसको सेल्फ स्टडी करने का तरीका क्या होगा, सब मैं कल डिस्कस करूंगा. तो इवन दो दैट द चैप्टर इज क्वाइट मोनोटोनस एंड बोरिंग, ट्रस्ट मी दिस विल बिकम योर फेवरेट चैप्टर. नॉट फ्रॉम इंटरेस्टिंग, ऐसा नहीं कि बहुत इंटरेस्टिंग कुछ मिल जाएगा, बट दिस विल बिकम योर फेवरेट चैप्टर बिकॉज को रिवाइज करना सबसे आसान होगा. इसको रिवाइज करने का सिंपल तरीका होगा दैट आई विल बी गिविंग यू नोट्स, उस नोट्स को पढ़ा और इस अपने मेन नोट्स में जितने एग्जाम्पल्स हैं इसको रीड कर लिया, यू विल बी ऑल सॉर्टेड, यू विल बी ऑल सॉर्टेड. टुमारो वी गोइंग टू डू एवरीथिंग, हम लोग सब कुछ रैप कर लेंगे. कल हम इसी चैप्टर के पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी देख लेंगे. So you'll be very comfortable कि हाँ सब कुछ हो चुका है इस चैप्टर का रिविजन, एंड वील बी ऑल सॉफ्टेड विद दिस चैप्टर, एंड देन वील मूव हेड विद अनदर चैप्टर. एंड एज आई से दिस चैप्टर विल बिकम योर फेवरेट चैप्टर, नॉट फ्रॉम इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लुकआउट. नहीं नहीं, वो तो भाई साहब सेबी एक्ट का प्यारा एक्ट है, बट अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसमें आपको कम से कम लगेगा हाँ एग्जाम लुकआउट से भी सॉर्टेड, कुछ परेशानी नहीं है. एग्जाम के दिन पहले रिविजन भी कैसे करना है वो सब मैं आपको बता के देगा. ओके, सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन, दिस स्मॉल संडे सेशन, एंड आई विल सी पीपल टुमारो फॉर योर रेगुलर सेशन. Thank you so much for your nice, nice patience, and I'll see you people tomorrow. Bye-bye. Thank you so much. You don't have to pen down anything, nothing. आप अगर घर पे थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं तो ये तीनों टॉपिक रीड करके आइएगा बस, जो हमने पढ़ लिए, जो हमने पढ़ लिए वो तीनों टॉपिक रीड करके आइएगा. आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल एंड आर्बिट्रल अवार्ड, बस ये तीनों एक बार रीड करके ना, हाँ यू विल बी ऑल सॉर्टेड, हाँ सब कुछ आ रहा है. एन एग्जाम स्पेशली इनके एग्जाम्पल्स रीड कर लो बस, अगर टाइम कम है तो सारे एग्जाम्पल्स रीड कर लेना बस. ओके, बड़ा मजा आएगा, एंड वील रैप इट अप टुमारो. थैंक यू सो मच. टाटा, बाय बाय.